الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال، रहमतुल्लाहि व वरक क्या हाल है सबका अल्हम्दुलिल्लाह. कल के बारे में से कोई बात आप शेयर करना चाहें जो आपको याद रही जिस पर आपने गौरव फिक्र किया जिस पर आपने अमल किया जी इनको दीजिए Uh, जो घरों में कुरान पढ़ा जाता है वो आसमान फरिश्तों को ऐसे दिखता है जैसे सूरज हमें नज़र आता है सितारे सितारे जैसे हमें यहाँ से सितारे नज़र आते हैं तो जिन घरों में कुरान पढ़ा जाता है वो घर इसी तरह आसमान वालों को दिखते हैं जैसे सितारे चमकते हों यानी उनमें एक नूर होता है तो आप सब सोचें कि आपका घर कैसे चमकदार हो सकता है अपनी भी और दूसरे की बुराई की भी तशहर नहीं करनी जी हाँ अपनी बुराई की तशहर भी नहीं करनी कि कोई गुनाह कर लिया है और फिर उसको पब्लिक करें और इसी तरह किसी के अंदर कोई ऐप देखा है किसी का कोई गुनाह पता चला है तो उसको भी बदनाम नहीं करना शिर के बाद भी अगर सच्चे दिल से तोबा की जाए तो अल्लाह माफ़ कर सकता है जी हाँ ठीक है आ, दीन का मजाक उड़ाने वाले बेकल बेअकल होते हैं और हमें उनसे दू, दूरी मतलब दोस्ती नहीं रखनी चाहिए जी हाँ उस मजलिस से उड़ जाना चाहिए उस मजलिस में शरीक नहीं होना चाहिए जहाँ लोग दीन का मजाक उड़ा रहे हैं जी वालेकुम जी ये आयत मुझे बहुत आ, मेरे दिल को लगी है के तो ये आप हर जगह ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जी घर में स्कूल में बिल्कुल हर जगह कहीं भी कोई नेकी का काम खैर का काम अच्छा काम कर रहा हो तो आगे बढ़कर उसकी मदद करनी चाहिए उससे क्या होगा आपको भी अजर सवाब में शिरकत का मौका मिल जाएगा दीन में गुलूस से बचो जी हाँ एक्सट्रीम रवैयों से बचो दीन में गलूब नहीं होना चाहिए इफरात व नहीं होनी चाहिए अच्छा इखिलाफ जब पैदा होता है जब कुरान से हम अपना ताल्लुक मजबूत कर लेते हैं सिर्फ पढ़ते ही नहीं है बल्कि उस पर अमल भी करते हैं ठीक है कनात कनात का सबक याद रखा कि जितना है कनात क्या होती है कि जितना इंसान के पास है उस पर राजी और खुश रहे मुतमिन रहे नाफरमानिया करने वालों पर भी फर्ज है कि वो वो बुराइयों से रोके जी यानी अगर आप समझते हैं कि मैं तो बहुत गुनागार हूँ और आप किसी को किसी और गुनाह से रोक सकते हैं तो आप रोकिए ये नहीं सोचना चाहिए कि जब मैं फ़रिश्ता बन जाऊंगी तो फिर बुराइयों से रोकूंगी है ना? कितने ही अम्बिया हैं जिनका ज़िक्र या नाम कुरान करीम में नहीं है तो हमें फ़िक्र ही होनी चाहिए कि हमारा नाम और मुकाम अल्लाह ताला के नज़दीक क्या है कुछ आइए कि दुनिया में शहरत की तलब हो जी कि हमने इतनी नकियाँ की हमें कोई पूछता नहीं हमें कोई हमारी तारीफ नहीं हो रही हमारी शोहरत नहीं हो रही तो नेकी शोहरत के लिए नहीं करनी फस्त कुल खैरात ये मेरे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन रहती है उस जी कि हर वक्त अल्लाह के मैंने नेकी का काम आए तो कोशिश करें कि वहाँ पे पहले नम खड़े रहें और भागे उसके नेकियों लिए। में सबसे आगे हो नंबर वन हो फ अब कुल खुश फहमियों से निजात नहीं होगी अमल करना ज़रूरी है जी आखिरत में निजात खुश फहमियों के बिना पे नहीं होगी बल्कि कुछ करके जाना होगा और करने का वक्त यही है इस दुनिया में इस बारे में ये मोज्ज़ और मालदार की जो तारीफ़ की गई है वो बड़ी खूबसूरत है कि मोज्ज़ तो वो है जो कुदरत के बावजूद भी बदला ना ले और माफ़ कर दे और मोज्ज़ वो है जो कनात कर ले चलिए <applause> نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله المتصف بالجلال والكمال

वो सोता नहीं है वो गालिब है उसका कसद नहीं किया जा सकता हम अल्लाह सुबहान की हमद करते हैं कि उसने हमें इस्लाम की तरफ हिदायत दी और हम उसका शुक्र अदा करते हैं इस बात पर कि उसने हमें इस्लाम के ज़रिए फ़जल और इनाम अदा किया واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين और जब वह इदा समरा आम तफ़ी आमन्ना फ़क्ना दीन और जब वो इस कलाम को सुनते हैं जो रसूल की तरफ नाजिल किया गया है तो आप देखते हैं कि हक़ को पहचान लेने की वजह से उनकी आंखें आंसुओं से छलक रही होती हैं वो कहते हैं अः हमारे रब हम ईमान ले आए समय गवाही देने वालों के साथ लिख ले ये नसारा के बारे में बात की गई है कि एक तो वो तकबर नहीं करते और यहूद के नस्बत मुसलमानों से ज़्यादा करीब हैं और दूसरे ये कि जब उनमें से बाज़ ने क़ुरान को सुना तो फ़ौर ईमान ले आए यानी जिस ग्रोह जिस ग्रोह को नसारा के नाम से याद किया गया है कि उनका हाल ये था कि जब उन्होंने अलैहि वसल्लम को देखा और उन पर उतरने वाली किताब यानी कुरान करीम को सुना तो उन्होंने इसका वालेहाना अंदाज़ में ख़ैर मक्दम किया सच्चे ईसाइयों की अलामत यही है और इन झील के अहकाम को याद रखने वालों का ऐसा ही रवैया होता है कि जो क़ुरान को जब देख पढ़ते हैं या सुनते हैं तो वो यकीन कर लेते हैं कि वाकई ये सच्ची किताब है और फिर इस्लाम कबूल करने में देर नहीं लगाते इसके पीछे एक वाक्य भी बताया जाता है हिजरत हबशा के मौके पर नजाशी ने जाफर रजी अल्ला से कहा क्या इस पैगंबर पर अल्लाह की तरफ से जो वही आती है उसका कुछ हिस्सा आपको याद है जाफर रजी अल्लाह ने फरमाया जी हाँ उसने कहा फिर वो मुझे पढ़कर सुनाइए जाफर रजी ने उसके सामने सूरत मरियम का इब्तदाई हिस्सा तिलावत फरमाया और अल्लाह की कसम उसे सुनकर नजाशी इतना रोया कि उसकी दाढ़ी आंखों आंसुओं से तर हो गई उसके पादरी भी इतना रोए कि उनके सामने रखे हुए आसमानी किताबों के नुस्खे भी आंसुओं से तर हो गए फिर नजाशी ने कहा अल्लाह की कसम ये वही कलाम है जो मूसा पर भी नाजिल हुआ था और इन दोनों का ममबा एक ही है यानी इसी वजह से वो मुसलमान हुआ और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उसकी वफ़ात की ख़बर मिली तो आपने उसका गैबाना जनाजा भी पढ़ा तो बात यह है कि कुरान की अपनी एक तासीर है अगर इंसान ख़ाली दिल होकर यानी सारे बायसिस को एक तरफ़ रख कर सिर्फ़ हिदायत की ग़रज़ से अल्लाह ताला की तरफ से जो हक आया है उसको पहचानने की ग़रज़ से अगर इसको पढ़ता है या सुनता है तो ये दिलों पर असर करता है सूरत जुमर में आता है अल्लाह किताब मसानिया नजसन हदीसी बसानियालूब हम अल्लाह ने सबसे अच्छी बात नाजिल फ़रमाई ऐसी किताब जो आपस में मिलती जुलती है ऐसी आयात जो बार बार दोहराई जाने वाली हैं इससे उन लोगों की खालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने रब से डरते हैं यानी जो अपने रब से जितना डरता हो उसके दिल पर कुरान उतना ही ज़्यादा असर करता है फिर उनकी खाले और उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र की तरफ नरम हो जाते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो क़ुरान पढ़ने के बावजूद भी उन पर कुछ असर नहीं होता वो संग दिल के संग दिल ही रह जाते हैं माज़ बिन जबल कहते हैं अनकरीब ये क़ुरान कुछ लोगों के सीनों में बसीदा हो जाएगा जैसे कपड़ा बोसीदा होकर पट कर गिर जाता है वो कुरान को पढ़ेंगे लेकिन उसमें कोई लुत्फ़ और लज्जत नहीं पाएंगे इस पर हम सबको अपने दिलों का जायज़ा लेना चाहिए वो कुरान को पढ़ेंगे लेकिन इसमें कोई लुत्फ़ और लज्जत नहीं पाएंगे उनको मज़ा नहीं आएगा वो भेड़ियों के दिलों पर भेड़ियों की खाल भेड़ों की खालें पहनेंगे यानी अंदर से भेड़िए होंगे और ऊपर से भेड़ होंगे उनका अमल तमाह और लालच के लिए होगा यानी किसी मकसद और मफाद के लिए वो कुछ नेकी करेंगे लेकिन उसमें अल्लाह का खौफ नहीं होगा अगर वो अमल में कोताही करेंगे तो कहेंगे कि अन करीब हम जन्नत तक पहुंच जाएंगे और अगर वो बुरे अमल करेंगे तो कहेंगे कि हमें माफ़ कर दिया जाएगा हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक तो नहीं ठहराते यानी हम तो कलमा गो मुसलमान हैं इसलिए हमें तो माफ़ कर दिया जाएगा चाहे हम अमल करें या ना करें फिर फरमाया वानुमिन और हमें क्या है कि हम ईमान न लाएं अल्लाह पर और उस पर जो हक में से हमारे पास आ गया है और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा रब हमें साले लोगों के साथ जन्नत में दाखिल कर देगा ये उन्हीं का कलाम है जिस जिनका जिक्र पिछली आयत में हुआ तो उनके इस क़ौल की वजह से उनके इस क़ल की वजह से अल्लाह बदले में उनको ऐसे बाग़ात अता करेगा जिनके नीचे नहरें जारी हैं जिन में वो हमेशा रहने वाले हैं और नेकी करने वालों की यही जजा है तो यहाँ आप देखते हैं कि एक अच्छी बात की वजह से उनको जन्नत की खुशखबरी मिल गई यानी अच्छी बात ना सिर्फ ये कि सदक़ा होती है बल्कि अच्छी बात इंसान के लिए आखिरत में निजात का बायस भी बन सकती है रसूल अल्लाह सल वसम ने फरमाया बेशक कोई शख्स अल्लाह को राज़ी करने वाली एक बात करता है वो नहीं समझता कि इसका असर वहाँ तक होगा जहाँ तक हकीकत में हो जाता है उसकी वजह से अल्लाह उसके लिए अपनी मुलाकात के दिन तक अपनी रज़ामंदी लिख देता है कि मैं हमेशा के लिए इससे राज़ी हो गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया बेशक बंदा अल्लाह की रज़ामंदी की एक बात ज़बान से निकालता है और उसे वो कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता मगर उसकी वजह से अल्लाह ताली उसका दर्जा बुलंद उसके दर्ज बुलंद कर देता है तो इसलिए कितना सुनहरा मौका है कि इंसान अच्छी बातें हमेशा ज़बान से निकाले अच्छी बात निकालने से अपना दिल भी खुश होता है सामने वाले का भी खुश होता है और सबसे बढ़ कर ये कि अल्लाह हराजी हो जाता है और वो अच्छी बात हमारे नामा या में लिख दी जाती है हसनाद में शुमार कर दी जाती है इसलिए जब भी बोलें सोच कर बोलें वल्लीना का फ़रूब का जबुब आयातनाक असहाबुलजहीम और वह लोग जिन्होंने कुफर किया और हमारी आयात को झुटलाया यही लोग जहन्नम के साथी हैं फिर फरमायादी आनूला तोहर्रम तोयलाबोतीन ए लोगो जो ईमान लाए हो उन पाकिजा चीज़ों को हराम मत ठहराओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं और न तुम हद से तजावुज करो बेशक अल्लाह हद से तजावुज करने वालों को पसंद नहीं करता पीछे नसारा की बात की गई और नसारा के अंदर रहबानियत पाई जाती है और वो अपने ऊपर पाकिजा चीजों को भी हराम कर देते हैं तो इसलिए और उसको नेकी समझते हैं तो इसलिए यहां पर अहले ईमान को बताया गया कि जो पाकिज़ा चीज़ें अल्लाह ने हलाल की हैं उनको अपने ऊपर हराम मत ठहराओ यानी ये नेकी नहीं इस्लाम में रहबानियत नहीं हलाल चीज़ से बग़ैर उज़र के परहेज़ करना नापसंदीदा है हाँ अगर किसी डॉक्टर ने आपको मना किया है या कोई चीज़ आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है अब देखें यहाँ बच्चों को कितनी फूड एलर्जीज़ हो जाती हैं वो बेचारे चाहते हुए भी नहीं खा सकते क्योंकि खा लें तो उनकी जान के लाले पड़ जाते हैं तो उनके लिए तो एक उज़र है लेकिन उज़र के बग़ैर सिर्फ़ नेकी समझ कर सिर्फ तकवा की अलामत समझ कर हलाल चीज़ों को छोड़ना ये दुरुस्त नहीं और यह हमारे दिन में पसंदीदा नहीं हमारे यहाँ तकवा क्या है शक वाली चीज़ों को छोड़ दो हराम चीज़ों को छोड़ दो ये है असल तकवा यह है अल्लाह ताला का हुक्म और फिर इसी तरह यह है कि हलाल और तैयब खानों को ख़ुद पर हराम नहीं ठहराना चाहिए एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा अल्लाह के रसूल वसल्लम जब मैं गोश्त खा लेता हूँ तो औरत के लिए बेचैन हो जाता हूँ और मुझ पर शहवत छा जाती है चनाच्य मैंने अपने आप पर गोश्त खाना हराम कर लिया है उस पर अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फ़रमाई कि ऐसा न किया जाए यानी हलाल को हराम न किया जाए وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ, حَلَالًا الله الذي انتم به مؤمنون और अल्लाह ने जो हलाल पाकिजा रिस्क तुम्हें अता किया है उसमें से खाओ यानी खाना मना नहीं बस कुलू व श्रभु वाला जैसे एक और जगह पर आता है खाओ पियो लेकिन इसराफ ना करो हद से ज्यादा ना खाओ तो हलाल और पाकिजा रिस्क खाओ लेकिन साथ क्या करो और अल्लाह से डरो अल्लाह का इख्तियार करो जिस पर तुम ईमान रखते हो ला यु आखिदुम्लाफ़ी वाकि आखिदुम बिमा अक्त तुम्हैमान अल्लाह तुम्हारी कस्मों में से ला किस कसम पर तुम्हारा मुआज़ज़ा नहीं करेगा लेकिन वो उन कस्मों पर तो तुम्हारा मुआज़ज़ा ज़रूर करेगा जो तुमने मज़बूत बाँधी तो इस कसम तोड़ने का कफ़ारा दस मिसकीनों को दरमियाने दर्जे का खाना खिलाना है जो तुम अपने घर वालों को खिलाते हो यानी एवरेज जो एक वीक के अंदर मेन्यू चल रहा होता है वीकेंड का नहीं या उन्हें कपड़े पहनाना है या एक गर्दन का आज़ाद करना है तो जो कोई ये ना पाए तो तीन दिनों के रोजे रखना है ये तुम्हारी कसमों का कफारा है जब तुम कसम खा लो और अपनी कस्मों की हिफाजत किया करो इसी तरह अल्लाह अपनी आयत तुम्हारे लिए वाज़ करता है ताकि तुम शुक्र अदा करो तो यहाँ ये यह बताया जा रहा है कि अगर इंसान किसी बात की कसम खा ले तो फिर क्या करे अगर वो उसको पूरा नहीं कर सकता ख़ास तौर पर अगर तैयब फूड हलाल फूड को ना खाने की कसम खा ले हुँ? मसलन आ, आपको किसी ने फूड ऑफ़र की आप उसको ज़रा थोड़ी देर देखने लगे तो कहे क्या चुन रही हो तो आप गुस्से में आ गए और आपने कहा अल्लाह की कसम आज के बाद तो मैं ये खाऊंगी नहीं हु? अब वो हलाल है पाकिज़ा है होलसम है लेकिन आप सिर्फ किसी की बात की वजह से कसम खा बैठे लेकिन आपका दिल तो है अब अपने ऊपर आपने खुद मुश्किल डाली अल्लाह ताला को इंसान की कमज़ोरी पता थी लिहाजा उसके लिए वे आउट रख दिया गया कि अब अगर अपनी कसम को तोड़ना है तो क्या करो कस्में तीन तरह की होती हैं एक तो लग कस्में जो ऐसे ही जबान से निकल सकते हैं अल्लाह कसम ऐसे मगर तो नीयत नहीं होती इरादा नहीं होता ऐसी कस्मों पर ना कफारा है ना सजा है दूसरी होती है मुनद होने वाली कसम यानी इरादे और नीयत के साथ कसम खाए कि मैं ऐसा नहीं करूँगा जैसे चाहे गुस्से में ही खाए तो उस कसम का यहाँ कस, कफारा बताया जा रहा है और एक तीसरी कसम है यमीन गमूस झूठी कसम जो इंसान नीयत और इरादे के साथ धोखा या फ़रेब देने के लिए झूठ बोल के कसम खाए ये कबीरा गुनाह है इसका कोई कफ़ारा नहीं इसका इलाज यही है कि सच्चे दिल के साथ अल्लाह सुबहान तौबा की जाए इस्तवार किया जाए क्योंकि ये बहुत बड़ा जुर्म है झूठी कसमें इलाक़ों को वीरान कर देती हैं अब यह कफ़ारा जो है इसमें सबसे पहले दस मिसकीनों को खाना खिलाना है अगर आप में इस्तात नहीं या किसी वजह से खाना नहीं खिला सकते तो फिर दस मस्किनों को कपड़ा पहनाना है अगर आप में ये भी इस्तात नहीं तो फिर एक गर्दन आज़ाद करना है अगर वो भी नहीं मिल रही तीनों की ही ताकत ना हो तो फिर तीन रोजे रखना है तीन रोजे रख के वो कसम हलाल हो जाएगी अब यह है कि ये तीन रोज़ कंजेकेटिव भी रख सकते हैं पैदर पै भी या अलग अलग भी तीनों यानी दोनों तरह दुरुस्त है लेकिन याद रखिए ईमान फानकुम ज्यादा कसम खाने की ममानत है कस्मों की हिफाजत का हुक्म दिया गया है कसम की तज़ीम करनी चाहिए क्योंकि इंसान अल्लाह को गवाह बना रहा होता है अल्लाह का नाम ले रहा होता है और अल्लाह का नाम बहुत बड़ा है अल्लाह का नाम लेके इस तरह के काम नहीं करने चाहिए ज्यादा कस्म खाने को नापसंद किया गया है और ख़ास तौर पर कारोबार में ज़्यादा कसमें खाने की ममानत है कतादा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बै यानि ख़रीदो फरोख्त में बकसरत कसम खाने से बचो क्योंकि झूठी कसम सामान को फरोख्त तो कर देती है लेकिन कमाई को ख़त्म करने का बायस है यानि बेबरकती हो जाएगी वो कारोबार तबाह हो जाएगा झूठ बोलकर माल, बोल माल मत बेचो झूठ बोलकर माल मत बेचो या अहल्लीना आमनु इन्मल ख़मर उलमसरल वाल अनसाबल अजलाम रिजसमिन अमल शैतान फ़त तबूहलाम तुफ्लि ए लोगो जो ईमान लाए हो बेशक शराब और जुआ और बुतों के स्थान और फाल निकालने के तीर सब नापाक हैं शैतानी अमल हैं बस तुम इससे बचो ताकि तुम फलाह पाओ ये शराब के सिलसिले का तीसरा और आखिरी हुक्म है इसके बाद शराब कतई तौर पर हराम करार दे दी गई पहला हुक्म अलबकरा में आया दूसरा अनसा में आया उसमें कतई क़त हरमत का जिक्र नहीं था इसलिए हजरत उमर बिन खताब ने इन दोनों सूरतों के अंदर हुक्म नाजिल होने के बाद फरमा कहा या अल्लाह हमारे लिए शराब के बारे में वाज हुक्म फरमा आखिर सरी हरमत की ये आयत तीन मज़द चीज़ों की हरमत के साथ उतरी तो इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने शराब को हराम कर दिया है बस जिस शख्स को ये आयत पहुंच जाए और उसके पास शराब में से कुछ मौजूद हो तो ना पिए और ना फरोख्त करे उसे गिरा दे ये गिरा दे की बात मैं खुद कर रही हूँ यानी ना बेच सकते हैं ना पी सकते हैं तो फिर क्या करना होगा रखने से तो टेम्प्रेशन हो सकती है कि इंसान फिर किसी वक्त उसके ट्रैप में आ जाए तो उसको ख़त्म कर देना चाहिए रसूल वसल्लम ने फरमाया जब कोई शराब पीता है तो शराब पीने के वक्त वो मोमिन नहीं होता यानी ईमान चला जाता है उसका एक और रिवायत में आता है अगर हमेशा शराब पीने वाला इसी हालत पे मर जाता है तो अल्लाह अल्लाह को इस हाल में मिलेगा गोया कि वो बुतों की इबादत करने वाला है और याद रखिए, नशे की कलील मकदार भी हराम है रसूल ने फरमाया मा अस कर फ़लील हो हराम जिस चीज़ की कसीर मक़दार आवर हो उसकी कलील मकदार भी हराम है ऐसे दस्तरखान पर बैठने की भी ममानियत है जहाँ शराब पिलाई जा रही हो वहाँ खाना नहीं खाना चाहिए वहाँ से उठ जाना चाहिए वही बात की कंपनी असर करती है सोहबत साले हो तो इंसान नेकी की तरफ चल पड़ता है और सोबत अच्छी ना हो दोस्त अच्छे ना हो तो इंसान अपने दोस्तों के दीन पर होते हुए बहक जाता है फिसल जाता है शैतान तो यही चाहता है कि वो शराब और जुए के जरिए तुम्हारे दरमियान अदावत और बुग्स डाल दे और तुम्हें अल्लाह के जिक्र और नमाज से रोक दे तो क्या तुम बाज आने वाले हो यानी यहां पर शराब के और जुए के दीनी और दुनियावी नुकसान का बयान हो रहा है दीनी नुकसान तो यह है कि शराब और जुआ नमाज़ और इलाही से रोकने और गाफिल करने का सबब बनते हैं और दुनियावी नुकसान क्या बताया जा रहा है कि इससे आपस में अदावत और कीना पैदा होता है और इन दोनों में खराबियों का पाया जाना बिल्कुल साफ़ जाहिर है इसके बरक्स क्या करो और अल्लाह की इतात करो और रसूल की इतात करो यानी सारे अहकाम में लेकिन ये शराब और जुए के कॉन्टेक्स में आई है कि अल्लाह और रसूल की इतात करो अगर हम कहें कि कुरान में कहा लिखा है लफ्स हराम तो हल हराम लफ्स नहीं लिखा हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वाजे तौर पर हराम कहा है ठीक है तो यहाँ सिर्फ़ कुरान की बात नहीं रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम की बात भी माननी होगी वाहगर हो और मोहतात रहो फिर अगर तुमने मुँह मोड़ लिया तो जान लो कि बेशक हमारे रसूल के ज़िम्मा सिर्फ़ वाजे पैगाम पहुँचा देना है वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक का अमाल किए उन पर कोई गुनाह नहीं उस बारे में जो वो खा चुके जब उन्होंने तकवायार किया और ईमान लाए और उन्होंने नेक का अमाल किए फिर उन्होंने तकवायार किया और और ईमान लाए फिर उन्होंने तकवा और अच्छे काम किए और अल्लाह अच्छे काम करने वालों से मोहब्बत करता है यानी शराब की हुरमत आने से पहले या मालूम होने से पहले अगर अहले ईमान में से कोई ऐसा करता रहा है तो फिर उस पर तौबा कर ले तो इंशाल्लाह तौबा कबूल हो जाएगी यह आए तो उस वक्त उतरी जब शराब की हुरमत नाजुल होने के बाद बाद कहने लगे हमारे उन भाइयों का क्या हाल होगा जो शराब पीते थे जुआ खेलते थे और उन लोगों को अल्लाह ताला के यहाँ से क्या बदला मिलेगा लेकिन वो जंग उहद में शहीद हो गए हालांकि शराब उनके पेटों में थी क्योंकि उस वक्त तक अभी तो कतई हुरमत का जिक्र नहीं था तो उस पर उनको क्या, उन क्या हुक्म दिया गया कि उन पर कोई हरज नहीं उनको यानी अभी हुक्म आया नहीं और उन्होंने अगर अमल नहीं किया और वो गुज़र गए उससे पहले ही तो कोई हरज की बात नहीं यहाँ तकवा का हुक्म तीन दफ़ा दिया गया है और ये ताक़द के लिए है पहला हुक्म शराब से बचें दूसरा हुक्म बुरी बातों से बचे और तकवा पर कायम रहे और फिर ये कि आमनु से मुराद शिरक से बचे और दूसरे से मुराद गुनाहों से बचे और तीसरे से मुराद सगीरा गुनाहों से भी बचे और फिर अहसनों का लफ्ज़ भी आया यानी एहसान के दर्जे में अल्लाह की इबादत करे यानी मुत्तकी मोहसिन मुत्तकी मोमिन से ज़्यादा बेहतर है मुती मोहसन मती मोमिन से बेहतर है तुम मत वहसन वल्लाबुल मोहसिन क्योंकि अल्लाह ताला किससे मोहब्बत करता है मोहसिन से मोहब्बत करता है मुतकी वो होता है जो अपने नफ्स की हिफाजत करता है शक वाली चीज़ों से बचता है और मोहसिन जो होता है वो अपनी ज़ात पर भी एहसान करता है और दूसरों पर भी एहसान करता है व अहसन का माँ आहसन अल्लाह यानी एहसान में एक पहलू अपनी के लिए होता है कि उसके काम करने की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और एक दूसरा पहलू दूसरे लोगों के लिए होता है जिसमें वो दूसरों के साथ मामला करते हुए डील करते हुए उनको एक्सीलेंट एक्सीलेंट सर्विस प्रोवाइड करता है उनके साथ रवैया अच्छा रखता है उनके साथ साथरत अच्छी रखता है या अयुद्धी आमनु याद रखिए सूरत अलमायदा में सबसे ज़्यादा यादी अमनु की पुकार है यादीना मनु लबलूवन्नकुमल्लाश अमिन सयद ए लोगों जो ईमान लाए हो अ तुम्हें शिकार में से किसी ऐसी चीज़ के साथ ज़रूर आज़माएगा जो तुम्हारे हाथों और नेज़ों की ज़द में होगा ताकि अल्लाह जान ले कि कौन है जो उससे बिन देखे डरता है तो जो कोई इसके बाद ज़्यादती करे तो उसके लिए दर्द नाक़ाब है इस आयत का ताल्लुक पिछली आयत से है ला तोहरमू तो ये बात इमा अल्लाकम तो वहाँ हलाल चीज़ों को हराम ठहराने से मना किया गया अब इस आयत में वो हलाल चीज़ें ज़िक्र की गई हैं जो कुछ वक्त के लिए बतौर इम्तहान हराम की गई यानी एहराम की हालत में कुछ हलाल चीज़ें भी हराम हो जाती हैं तो असल चीज़ क्या है अल्लाह की इता जब चाहे किसी चीज़ को हमारे लिए हलाल करार दे और जब चाहे उसे हमारे लिए हराम कर दे तो यहाँ बताया जा रहा है कि एहराम की हालत में खुशकी के जानवरों का शिकार करना मना है ताकि फर्मा बरदारों और नाफ़रमानों के दरमियान फ़र्क पता चल जाए आजमाइश हो जाए कि बिन देखे अल्लाह से कौन डरता है और फिर यहाँ तनाल हुई कुम कुमर माहु इससे क्या मुराद है यानी छोटे जानवर या जानवरों के बच्चे तुम जिन्हें तुम हाथ से भी पकड़ सकते हो या बड़े जानवर जिनका तुम नेज़ों से शिकार कर सकते हो जबकि अहराम की हालत में खुशकी के जानवरों का शिकार मना है लेकिन अब तुम्हारे पास आ रहे हैं खुद आ रहे हैं इम्तिहान के लिए कि अब करते क्या है जैसे असाबुद सब का इम्तिहान हुआ था लेकिन वो नाकाम हो गए इसी तरह मुसलमानों का भी एक टेस्ट हुआ कि शिकार अहराम की हालत में खुद ब खुद उनके ऊपर आके गिर रहा था लेकिन वो उसको नहीं पकड़ रहे थे तो जो शख्स गायबाना तौर पर रब से डरे उसके लिए कुरान में मखफ़रत और अजर करीम का वादा किया गया है मन, रहमान लोग ईमान लाए हो हालत अहराम में शिकार को ना मारो और जिसने तुम में से जान बुझ कर उसे मारा तो चौपायों में से उसी की मानद बतौर फदिया बदला देना होगा जो उसने मारा जिसका फ़ैसला तुम में से दो अदल वाले करेंगे ये कुर्बानी काबा तक पहुंचने वाली हो या कफारा है चंद मिसकीनों को खाना खिलाना या उसके बराबर रोज़े रखना ताकि वो अपने किए का वबाल चखे जो हो चुका अल्लाह ने उससे दरगुजर किया और जो कोई फिर वही काम करे तो अल्लाह उससे इंतकाम लेगा और अल्लाह बहुत ज़बरदस्त है इंतकाम लेने वाला है ये आयत और अगली आयत उस वक्त नाजिल हुई जब मुसलमान हदैबिया में अहराम बांधे हुए थे तो खिलाफ मामूल छोटे बड़े जंगली जानवर उनके ख्यामों में घुस आए हालांकि आमतौर पर ऐसा होता नहीं तो अल्लाह तला ने इन आयात में उनके शिकार से मना कर दिया तो जो मुहरम होता है यानी अहराम पहने हुए ना वो खुद शिकार कर सकता है ना शिकार में किसी की मदद कर सकता है हाँ पांच जानवरों को हरम में भी मारने की इजाज़त है या हालत अहराम में भी मारने की इजाज़त है वो कौन से हैं चूहा बिच्छू चील कौवा और काटने वाला कुत्ता क्योंकि ये सारे मुजी जानवर हैं इसलिए इनको मारा जा सकता है इसी तरह इस पर कयास करते हुए सांप भेड़िया चीता शेर वगैरह भी मार सकते हैं और जानबूझ के अगर कोई शिकार करे तो उसका कफारा क्या है जैस जिस तरह का जिस तरह के कदो कामत का जानवर उसने मारा है उसी कदो कामत या उसके साथ शक्ल सूरत में मिलता हुआ जानवर कुर्बान करे और वो कुर्बानी कहां पहुंचाई जाएगी हरम में सईदुल बहरीव आमहू ओहिल तुम्हारे लिए समुंदर का शिकार और उसका खाना हलाल कर दिया गया जो तुम्हारे लिए और काफिलों के लिए फायदा मंद है लेकिन जब तुम हालत एहराम में हो खुशकी का शिकार तुम पर हराम किया गया है और अल्लाह से डरो वो जिसकी तरफ तुम इकट्ठे किए जाओगे तो इससे क्या पता चलता है कि हालत एहराम में खुशकी का शिकार मना है समुंदर का नहीं यानी अगर कुछ लोग एहराम पहन के वाया समुंदर हज करने आ रहे हैं और रास्ते में उनका ज्यादा ख़त्म हो जाता है तो मछलियां वगैरह पकड़ के अपने खाने पीने का बंदोबस्त कर सकते हैं और इसमें समुंदर और समुंदर के अलावा जो भी जगह ऐसी हो वो सब इसमें शामिल हैं और इसमें वो तमाम जानवर शामिल हैं जो पानी से बाहर ज़िंदा नहीं रह सकते वो मछली हो या कोई और जानवर हो जिंदा भी पकड़े जाए तो उनको ज़िबा करने की ज़रूरत नहीं तो पानी में रहने वाला जो जानवर है जो पानी जिसका बसेरा है मौलद मस्कन है वो शिकार करना हलाल है और ये कोई सही बात नहीं कि मछली के अलावा सब कुछ हराम है नहीं समुन्दर के खाने सब हलाल हैं आ, क्योंकि तामहू की बात की गई साहब कराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसम से समुंदर के पानी के बारे में पूछा तो आपने फरमाया हुआ तूरुमा माउहू उसका पानी पाक है यानी वज़ू वगैरह कर सकते हो अल्हलुमता उसका मुदार भी हराम है उसका मुदार भी हलाल है यानी अगर कोई जानवर वहीं अंदर मर गया और ऊपर आ गया तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि उसके अंदर कितना नमक होता है ना समुंदर में तो वो एक प्रिजर्वेटिव का काम कर रहा होता है तो आप जब मछली को ज़बा किए बग़ैर खाते हैं और अगर वो अंदर ही मर गई है यानी बाहर मरी या अंदर मरी बात बराबर है तो अगर अंदर ही मर गई और ऊपर तैर रही है तो पकड़ के उसको भी खा सकते हो और इसकी दलील क्या है नबी अलैहि वसल्लम ने कुछ साहबा को एक जंगी मुहम पे भेजा उनके पास खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो गई तो उन्होंने टीले जैसी एक बहुत ह्यूज मछली देखी जिसे समुद्र का पानी किनारे पे छोड़कर हट चुका था और वो वापस नहीं जा सकती थी अबू उबैदा उनके अमीर थे उन्होंने उसे खाने की इजाज़त दे दी एक माह तक तीन सौ आदमी रोज़ाना उसे खाते रहे इतनी बड़ी मछली थी और खुश करके साथ भी ले आए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया तुम्हारे पास उसका कुछ गोश्त है तो हमें भी दो यानी जो साथ लाए हो तो हमें भी खिलाओ चनाचे साहबा ने कुछ गोश्त आपकी तरफ भी भेजा और आपने उसे फरमाया तो जो मरी हुई मछली सहाबा ने खाई और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसमें से गोश्त खाया उसको आप कैसे हराम करार दे सकते हैं फिर फरमाया अल्लाह ने काबा को जो हरमत वाला घर है लोगों के लिए क़्याम का ज़रिया बनाया है और माह हराम को और कुर्बानी के जानवरों को और पटे वाले जानवरों को भी ये इसलिए कि तुम जान लो कि बेशक अल्लाह जानता है जो कुछ आसमानों और जो ज़मीन में है और ये कि अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है जिस तरह हरम जानवरों के लिए बायस अमन है ऐसे ही इंसानों के लिए भी हरम अमन की जगह है ठीक है और काबा लोगों के लिए क़्याम ज़िंदगी का बास है यानी अहल मक् की माश रोज़ी का मदा दारदार उसी पर है लोग दूर दराज से थ, हज और तजारत के इरादे से यहाँ आते हैं ज़रूरियात की चीज़ यहाँ ला कर बेचते हैं जिससे अहल मक् रिस्क हासिल करते हैं और यहाँ पहुँच कर वो अमन में आ जाते हैं और हती के जमाने जहलीत में भी कोई शख्स हरम के अंदर अपने बाप बेटे के कातिल तक को कुछ नहीं कह सकता था और इबादत और सवाब के अतबार से भी बेहतरीन जगह है तो ये एक ऐसी जगह है जो हमेशा आबाद है हर वक्त आबाद है और वहाँ जाने का फ़ायदा ही फ़ायदा है यानी दुनियावी भी है और दीनी भी है बाबरकत जगह है और क़्यामत के करीब जब एक हबशी बैतल् को गिरा देगा तो उसके बाद बहुत जल्द क़्यामत आ जाएगी क्योंकि क़्याम का, का ज़रिया है क़याम ज़िंदगी का ज़रिया है व एलम्ला रहीम जान लो बेशक अल्लाह सख्त सजा वाला है और बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला नहायत रहम करने वाला भी है हुक्म दिया जा रहा है जान लो यानी इस बात का हुक, इल्म हासिल करना लाजिम है किस बात का कि अल्लाह ताला तख्त सजा भी देता है और उसके साथ साथ गफूर रहीम भी है तो हमें ऐसा इल्म हासिल करना हमारे लिए ऐसा इल्म हासिल करना ज़रूरी है जिससे हमारे अमल में बेहतरी आए और जिसको अल्लाह ताला ने सीखने के लिए कहा हो तो रहमत अल्लाह ताला की सिफत है और अजाब उसका फ़ेल है अल्लाह ताला ताफरमानों को सजा देता है और इताद गुजारों को माफ़ फरमा देता है तो इस आयत में खौफ और उम्मीद को जमा कर दिया गया है ताकि इंसान अल्लाह की रहमत से मायूस भी ना हो और ऐसे काम भी ना करें कि जो अल्लाह ताला को गुस्सा दिलाते हों मरीज बिन मसरूक कहते थे अल्लाह की रहमत की उम्मीद से पहले अल्लाह के अजाब का खौफ होना चाहिए क्योंकि आप जन्नत में उस वक्त तक दाखिल नहीं हो सकेंगे जब तक जहन्नम को पार नहीं कर लेंगे पुलसराज जहन्नम के ऊपर नस्ब किया जाएगा या बिन मास कहते हैं कि खौफ गुनाहों से रोक लेता है और उम्मीद फ़रज़ को अदा करने पर परवत मुहैया करती है मा माँ रसूल इल्ला अल बलाग वल्लाहु अलबलामात बदमा तख तुमोन रसूल के ज़िम्मा तो सिर्फ़ पैगाम पहुंचा देना है और अल्लाह जानता है जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो यानी रसूल किसी को अमल की हिदायत की तौफीक नहीं दे सकते लेकिन हिदायत का पैगाम पहुंचा सकते हैं कुल्ला गल्ला यबीस वयब कह दीजिए नापाक और पाक बराबर नहीं हो सकते अगरचे तुम्हें नापाक की कसरत अच्छी लगे बस अल्लाह से डरो अः अक्ल वालो ताकि तुम फलाह पा जाओ तो इससे मुराद हराम और हलाल भी हो सकते हैं काफिर और मोमिन भी हो सकते हैं यानी हराम रिस्क की फ़रावानी बाहर कितनी खुशकुन क्यों ना हो इंसान पर लाजम है कि हलाल थोड़ा भी हो उसी पर कनात करे चाहे देखने में वो कितना ही कम क्यों ना हो इसी तरह एक अल्लाह का नाफरमान देखने में कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो तो उससे दूर रहना बेहतर है बनिस्बत इसके कि एक गरीब मुसलमान के साथ दोस्ती की जाए या आमनू ला तसअलू अन अशियाम तस्कुम ऐ लोगो जो ईमान लाए हो तुम ऐसी चीज़ों के बारे में सवाल ना किया करो जो अगर तुम पर जाहिर कर दी जाए तो वो तुम्हें बहुत बुरी लगे वो तुम्हें बुरी लगें और अगर तुम उनके बारे में उस वक्त सवाल करोगे जब कुरान नाजिल किया जा रहा हो तो वो तुम्हारे लिए जाहिर कर दी जाएंगी अल्लाह ने इनसे दरगुजर फरमाया और अल्लाह बहुत बख्शने वाला बहुत बुरदबार है यहाँ पर हम देखते हैं कि सहाबा को बिला ज़रूरत सवाल करने से रोक दिया गया क्योंकि बाल की खाद उतारने से टू मच क्वेश्चनिंग से दीन मुश्किल हो जाता है साथ बिन नबी वक़ास कहते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक मुसलमानों के हक में मुसलमानों में से जुर्म के लिहाज से सबसे बड़ा मुजरिम वो शख्स है जिसने किसी ऐसी चीज के सवाल किया जो हराम करार नहीं दी गई थी फिर उसके सवाल की वजह से हराम करार दे दी गई यानी पहले आसानी थी लेकिन उसने सवाल कर कर के हलाल को भी हराम करवा दिया दर हकीकत इनके बारे में तुमसे पहले भी एक कौम ने सवाल किया था फिर वो उनका इनकार करने वाले हो गए बनी इसराइल की तरफ इशारा है क्योंकि वो अपने अम्बिया से खॉ मखा की खोज कुरेद करते रहते थे मुख्तलिफ मसाइल पर और जब वो चीज़ हराम करार दे दी जाती तो फिर उस पर अमल नहीं करते थे और फिर यून आफरमान ठहरते तो कसरत सवाल जो है ज़रूरी सवाल तो ठीक है लेकिन कसरत सवाल जो है मना है और इसमें भी देखें आम रोजमर्रा ज़िंदगी में भी लोगों की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में सवाल करना फिर सवाल पे सवाल करते जाना फिर उन उनके अंदर तजस की हद तक पहुँच जाना तो गैर गैरनाफ़ इल्म जो है उसके बारे में सवाल की ज़रूरत नहीं हाँ नफा मंद इलम के बारे में तहक़ीक आप कर सकते हैं और वो भी ज़रूरी हद तक होनी चाहिए ना कि गैर ज़रूरी चीज़ के बाद समझ भी आ जाए और फिर भी खॉ सवाल किए चले जाएँ अल्लाह ने कोई बहीरा और कोई साहिबा और कोई वसीला और कोई हाम मुकर्रर नहीं किया लेकिन वो लोग जिन्होंने कुफर किया वो अल्लाह पर झूठ घड़ते हैं और इन में से अक्सर लोग अकल नहीं रखते अहले अरब ने चार किस्म के हलाल जानवरों को अपने ऊपर हराम कर रखा था यहाँ उसका जिक्र कर दिया गया कि ये बिल्कुल झूठी बात है अल्लाह ने इनको हराम नहीं किया और जब इनसे कहा जाता है कि उसकी तरफ आओ जो अल्लाह ने नाजिल किया है और रसूल की तरफ तो कहते हैं हमें वही तरीका काफी है जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है क्या भला अगर चाहे उनके बाप दादा कुछ भी इल्म ना रखते हो और ना ही वो हिदायत याफ्ता हो अक्लमंद इंसान किस रास्ते की पैरवी करेगा जो इल्म पर मबनी हो जो दलील पर मबनी हो ना कि वो सिर्फ बाप अंधा धुंध आंखें बंद करके बाप दादा की तकलीद करता चला जाएगा ऐसे लोग कभी तरक्की नहीं कर सकते ए लोगो जो ईमान लाए हो तुम अपनी फिक्र करो जो भटक गया वो तुम्हें कुछ नुकसान न दे सकेगा जबकि तुम खुद हिदायत पा चुके हो तुम सबका लौटना अल्लाह ही की तरफ है फिर वो तुम्हें बताएगा जो कुछ तुम किया करते थे यानी बार बार समझाने के बावजूद अगर कोई नहीं समझता तो इंसान खुद मजबूती से जमे रहे हक पर हिदायत पर अगर कोई भटकता है तो फिर उसके भटकने का नुकसान तुम्हें नहीं होगा ला या दुरुकुमंद तो। अगर तुम खुद हिदायत पर हो और दूसरा नहीं तो फिर उसका हिदायत पर ना होना गुमराह होना तुम्हारे लिए नुकसानदेह नहीं और फिर यह है कि दूसरों का असलाह करने की तो बड़ी फिक्र करते हैं और उस उस फिक्र में अपने आप को ही भूल जाते हैं तो सबसे पहले अपनी फिक्र करनी चाहिए ना कि दूसरों के ऐबों के पीछे पड़ जाएं गुमराह लोग हमारा कुछ नुकसान नहीं कर सकते लेकिन हमारे गुना और हमारा बिगाड़ हमें नुकसान देगा इब्न मसूद कहते हैं इसका माना आखिरी ज़माने में आएगा जब तक तुम्हारी बात को कबूल किया जाता रहे तुम नेकी का हुक्म देते रहो बस जब तुम मغلوب हो जाओ यानी लोग तुम पे गालिब आ जाएं, तो तुम अपनी हिफाजत करो यानी अपने आप को लाज़िम कर लो अपनी हिफाजत को लाजिम कर लो यानी फिर आप अलैकुम ला नब तगिल बहस मुबासा छोड़ दो इसका यह मतलब नहीं है कि दूसरों की असलाह की कोई फिक्र ही ना करें हम और सिर्फ अपनी जात में गुम रहें इसका मतलब यह है कि इंसान उस हद तक दूसरे को समझाए जब तक कोई समझे और अगर कोई नहीं समझे तो फिर उसको उसके हाल पे छोड़ दिया जाए वरना हमें तो अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाने का हुक्म दिया गया है या यूह लदीना मनुखु अनफु सकुम वहली नारा तो बात यही है कि हर इंसान अपने अमल का खुद बदला पाएगा इसलिए एक हद तक तो दूसरों की फिक्र करनी चाहिए लेकिन अपने आप को घुला नहीं देना चाहिए उस फिक्र में बात तो आप दीन के रस्ते पर हैं आपके हस्बैंड नहीं हैं आप उनको जो भी सुन के जाते हैं ये जो बात आपको पता चलती है आप उनको बताते हैं और वो आपको हमेशा डांट देते हैं झड़क देते हैं मूड ऑफ कर लेते हैं और घर की फ़ज़ा ख़राब हो जाती है तो फिर वो है वो अवाम हैं है, वो भी ज़िम्मेदार हैं एडल्ट हैं तो उनका अगर वो बात नहीं सुनते तो आपका कोई नुकसान नहीं आप घर की फ़ाक को ख़राब ना करें उनको फिर उनके हाल पे छोड़ दें जहाँ कहीं मुनासिब मौका हो तो अच्छी कोई बात शेयर कर लें वरना पीछे ना पड़े और किसी के भी पीछे ना पड़े बच्चों को भी समझाने के बाद उनको छोड़ दें क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी हैं वो हमारे हमारा माल नहीं है कि हम अपनी मुट्ठी में उसको बंद करके रखें बच्चों को भी स्पेस दें उनको भी समझाने के बाद गलती करने की भी गुंजाइश दें फिर फरमाया ऐ लोगों जो ईमान लाए हो जब तुम में से किसी को मौत आ जाए जब तुम में से किसी को मौत आए तो वसीयत करते वक्त तुम में से दो अदल वालों की गवाही होगी या तुम्हारे अलावा दो और लोगों की अगर तुम जमीन में सफर कर रहे हो फिर तुम्हें मौत की मुसीबत आ पहुंचे तो शक की सूरत में तुम उन दोनों गवाहों को नमाज के बाद रोक लोगे फिर वो दोनों अल्लाह की कसमें खाएंगे कि हम इस कसम से कोई कीमत नहीं ले रहे अगरचे वो रिश्तेदार हो और न हम अल्लाह की खातिर दी हुई गवाही को छुपा रहे हैं अगर हम ऐसा करें तो बेशक तब हम यकीनन गुनागारों में से होंगे ये इसके पीछे ख़ास पस मंज़र है लेकिन बात यही है कि वसीयत करने का हुक्म दिया जा रहा है ख़ास तौर पर उस शख्स को कि जो सफ़र में हो और उसकी मौत का वक्त करीब आ चुका हो उसे लगे कि अब वो बच नहीं सकता तो उसको वसीयत कर देनी चाहिए अब्दुल्ल अबिन उमर से रिवायत है कि नबी अलैहि वम ने फ़रमाया किसी मुसलमान को लायक नहीं कि वो तीन रातें इस हाल में गुजार दे कि उसके पास उसकी वसीयत ना लिखी हुई हो अब्दुल्ला बिन उमर कहते थे जब से मैंने ये बात सुनी है उस वक्त से मेरी वसीयत मेरे पास मौजूद रहती है फिर अगर इस पर इतला हो जाए कि यह दोनों यकीनी तौर पर गुनाह के मरतकब हुए हैं तो वसीयत करने वाले के दो करीब तरीन रिश्तेदार उन दोनों की जगह खड़े होंगे उनमें से जिनकी हक तलफी हुई है उनमें से जिनकी हक तलफी हुई फिर वो दोनों अल्लाह की कस्में खाएंगे कि हमारी गवाही इन पहले दोनों की गवाही से ज़्यादा सच्ची है और हमने कोई ज़्यादी नहीं की अगर हम ऐसा करें तब हम बिलाशुबा ालिमों में शुमार होंगे ये तरीक़ा इस बात के ज़्यादा करीब है कि वो गवाही को उसके असल रुख पर लाएंगे या वो डरेंगे कि उनकी कस्में उन वरसा उनकी कस्में उन वरसा की कस्मों के बाद रद्द कर दी जाएंगी और अल्लाह से डरो और सुनो अल्लाह नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं देता योम यजमाफ़ूल माजब तुम खालमलाना इन नंता जिस दिन अल्लाह रसूलों को जमा करेगा फिर पूछेगा कि तुम्हें क्या जवाब दिया गया था यानी तुम्हारी कौम की तरफ से वो कहेंगे हमें कुछ इम नहीं बेशक तू ही गैब की बातों का खूब इल्म रखने वाला है ये सवाल पैगम्बरों से क्यों किया जाएगा ये असल में तो उम्मतों को डांड डपट और मलामत करने के लिए होगा अल्लाह तजरमों से नहीं पूछेगा पैग़म्बरों से पूछेगा ताकि उन पर हजत पूरी कर दी जाए पैग़म्बर कहेंगे ला इल्म लना हमें इल्म नहीं हालांकि उन्होंने उनके अंदर उम्र गुजारी थी तो ये क्यों कहेंगे हमें इल्म नहीं जबकि उन्हें इल्म था यानी हम उनका बातिन नहीं जानते हम उनकी असलियत और उनका उनकी हकीकत नहीं जानते हम तो सिर्फ ज़ाहरी चीज़ों से ही वाकिफ़ हैं और यहाँ अल्लाह का नाम आया है और ये जो है ये अलीम से ज्यादा मुबालगे का है मुबालगे का सीगा है अलीम जो है सिफत मशब्बे का सीगा है और अल्लाम जो है यानी बहुत ज्यादा खूब खूब खुँ जानने वाला ज़ाहिर को भी गैब को भी और उस इल में अल्लाह ताला को कोई और शरीक भी नहीं इसका अल्लाया सबन मरियम उत्कुर अमती कबा अला वालतिक जब अल्लाह फरमाएगा एसब ने मरियम मेरी उस नेमत को याद करो जो तुम पर और तुम्हारी वालिदा पर हुई जब मैंने रूहुल कुदुस के साथ तुम्हारी तइद की तुम गहवारे और उधेड़ उम्र में लोगों से कलाम करते थे और जब मैंने तुम्हें किताब और हिकमत और तौरात और इंजील की तालीम दी और जब तुमने मेरे इज़न से मट्टी से परिंदे की शक्ल की मानंद बनाते और जब तुम मेरे इजन से मट्टे से... और जब तुम मेरे इजन से मिट्टी से परिंदे की शक्ल की मानंद बनाते फिर उसमें फूंक मारते तो वो मेरे इज़न से परिंदा बन जाता और तुम पैदाइशी अंधे और बर्स वाले को मेरे इज्न से अच्छा कर देते और जब तुम मेरे इज्न से मुर्दों को निकालते थे और जब मैंने बनी इसराइल को तुमसे रोका था जब तुम उनके पास वाज दलाइल लेकर आए तो उनमें से जिन्होंने कुफर किया कहने लगे ये तो खुल्लम खुला जादू है पिछली याद में बताया गया कि तमाम रसूलों से गवाही ली जाएगी और यहाँ बताया जा रहा है कि ईसा सलाम से गवाही ली जाएगी यानी ईसी सलाम से बतौर खास सवाल किया जाएगा क्योंकि उनकी उम्मत उनके बाद उनके रस्ते को छोड़ गई और याद करो जब मैंने हवारीयों की तरफ इल्हाम किया कि मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान ले आओ उन्होंने कहा हम ईमान ले आए और आप गवाह रहिए कि बेशक हम मुसलमान हैं जब हवारी ने कहा इब्न मरियम क्या तेरा रब यह कर सकता है कि हम पर आसमान से खाने का एक दस्तर खान उतारे उसने कहा अल्लाह से डरो अगर तुम मोमिन हो यानी हवारी ने सवाल क्यों किया उनको अल्लाह ताला की कुदरत पर कोई शक नहीं था लेकिन दिलों के इत्मीनान के लिए जैसे इब्राहिम सलाम ने किया था और जो ये जो कह रहे हैं हल यस्तियों और रब्बो का इसका ये मतलब नहीं था उनका कि अल्लाह ताला की कुदरत से बाहर है यानी इसका मतलब यह था कि क्या अल्लाह ताला की हमत के ख़िलाफ़ तो नहीं या इसमें कोई अमर माने तो नहीं कलु नहातमुना व नम अन वन अलहना शाहिदीन उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि हम उसमें से खाएं और हमारे दिल मुतमिन हो जाए वतम क़लुबुना और हम जान लें कि तुमने हमसे सच कहा था और हम इस पर गवाही देने वालों में से हो जाए यानि इल्म यकीनी हो जाए ईसन मरियम ने दुआ की ए अल्लाह ए, ए हमारे रब ये दो से इकट्ठे यहाँ आए हैं रब्बना, और ये उनकी इंतहा दर्जे की आजजी है कि वो खुद इलाह नहीं है बल्कि अल्लाह को अल्लाहुम्मा और रब्बना कह के पुकार रहे हैं अल्लाम रबना अनजिलान अस्मा ए अल्लाह हमारे रब तू हम पर आसमान से तू हम तू आसमान से हम पर एक दस्तरखान उतार कि जो हमारे पहलों और हमारे पिछलों के लिए ईद हो जाए और तेरी तरफ़ से एक निशानी हो और हमें रिस्क अता फरमा और तू सबसे बेहतरीन राजिक है तो ईसा सलाम की दुआ मांगने के तरीके से साबित होता है कि वो राजिक नहीं थे वो रब नहीं थे वो इलाह नहीं थे बल्कि वो इतनी आजी के साथ असल रब से ही दुआ कर रहे थे तो रिस्क दो तरह का होता है एक जाहरी यानी ग़ा का खाने का जो जिसम के काम आता है कुत का बायस बनता है और दूसरा बातनी जो ईमान के लिए कल्ब की रोशनी और दीन के लिए रहनुमाई बनता है यानी दीनी रहनुमाई बनता है ज़ाहरी रस्क का फ़ायदा जिसम के लिए है बातनी रस्क अबदी ज़िंदगी यानी आख़रत के लिए है और दोनों ही रिस्क का मालिक अल्लाह है यानी दोनों तरह के रिस्क का मालिक अल्लाह ही है जिसको जितना चाहे अता कर दे तो इसलिए जब अल्लाह से रिस्क मांगे तो फिर दोनों तरह का रिस्क मांगा करें रूहानी रिस्क भी ईमानी रिस्क भी और जिस्मानी रिस्क भी और जो अल्लाह से मांगता है अल्लाह उसे ऐसी जगह से देता है जहाँ से वो गुमान भी नहीं कर सकता क़ल इन्नी मुनकुम अल्लाह ने फरमाया बेशक मैं उसे तुम पर नाजिल करने वाला हूँ फिर तुम में से जो कोई इसके बाद ना शुक्री करेगा तो मैं ज़रूर उसे ऐसा अजाब दूंगा कि इस जैसा अजाब मैंने जहान वालों में से किसी एक को भी ना दिया होगा जितनी बड़ी नेमत होती है उतना ही ज़्यादा शिक्र अदा करना चाहिए और वह शुक्र उस नमत की बका का सबब बनता है वरना ना शुक्री से वह नमत चली जाती है जाया हो जाती है और जब अल्लाह फरमाएगा मरियम क्या तुमने लोगों से कहा था कि अल्लाह के सिवा मुझे और मेरी माँ को दो माबूद बना लो वो कहेगा पाक है तू मेरे लिए मुनासिब नहीं कि मैं वो बात कहूँ जिसका मुझे कोई हक नहीं अगर मैंने ये कहा होता तो यकीन तू इसे जानता होता तू जानता है जो मेरे नफ्स में है और मैं नहीं जानता जो तेरे नफ्स में है बेशक तू ही गैब की बातों का ख़ूब इल्म रखने वाला है मैंने तो इन्हें बस वही कहा था जिसका तूने मुझे हुक्म दिया था कि अल्लाह की इबादत करो जो मेरा रब है और तुम्हारा रब भी और मैं उन पर गवाह रहा जब तक मैं इन में था फिर जब तूने मुझे उठा लिया तो तू ही इन पर निगरान था और तू हर चीज़ पर खूब गवाह है अजीज़ुलहकीम अगर तू इन्हें अजाब दे तो बेशक वो तेरे बंदे हैं तू दे सकता है और अगर तू इन्हें बख्श दे तो बेशक तू बहुत जबरदस्त बहुत हिकमत वाला है यहां भी आप देखें ईसा निहायत अदब के साथ अल्लाह ताला से गुजारिशें कर रहे हैं अल्लाह ताला फरमाएगा ये वो दिन है कि जिसमें सच्चों को उनकी सच्चाई नफा देगी उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं जिनमें वो हमेशा हमेशा रहने वाले हैं अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो उससे राजी हो गए ये बहुत बड़ी कामयाबी है हैदु अनहली कल्फोजीम अगर आप ये जानना चाहें ना कि अल्लाह मुझसे राजी है या नहीं तो अपने दिल को टटोल टो के देखें क्या आप अल्लाह से राजी हैं क्योंकि जो अल्लाह से राजी हो जाते उसके दीन पर राज़ी हो जाते हैं उसके रब होने पर राज़ी हो जाते हैं उसके रसूल पर राज़ी हो जाते हैं कि अल्लाह ने उनको हमारी हिदायत के लिए भेजा तो बहुत अच्छा किया तो अल्लाह ताला भी उनसे राज़ी हो जाता है तो हमें हमेशा अपने ऊपर चेक रखना चाहिए अल्लाह से कोई शिकवा नहीं करना चाहिए और ख़ास तौर पर अगर कोई तकदीर में ऐसी चीज़ हो जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हो तो उस पर भी अल्लाह सुबहान तरफ रुजू करें और अल्लाह के फैसलों पर राज़ी रहें और यहाँ जो बड़ी अहम बात इस आयत में की गई है वो ये कि उस दिन सच्चों को सच्चाई फायदा देगी झूठ काम नहीं आएगा दुनिया के काम दुनिया के मुश्किल वक्त आप झूठ से गुजार लेते हैं लेकिन वहाँ झूठ से उस मुश् वो मुश्किल नहीं टलेगी लाही मुल्क उस समावाद व माफी हिन्न व हुआ अलाकुल्लिसन कदर अल्लाह ही के लिए है बादशाहत आसमानों और ज़मीन की और जो कुछ इनमें है और वह हर चीज़ पर खूब कुदरत रखने वाला है सूरतुलनाम بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين يا سنة وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون سبتاريب الله كليها الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور तुम लदीन कफरूबी रब सब तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और उसी ने अंधेरों और रोशनी को बनाया फिर वो लोग जिन्होंने कुफर किया अपने रब के साथ दूसरों को बराबर करार दे रहे हैं दूसरों को बराबर करार देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह के साथ शुरू हो रही है ये पांच सूरतों में से दूसरी सूरत है जिनका आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह से होता है इसके अलावा सूरत अलफातिया के अलावा अल्क़ सबा और फातिर भी अल्लाह की तारीफ़ से शुरू होती हैं हम में मोहब्बत और ताजीम दोनों ही मिली हुई होती हैं हकीकत यह है कि हमें जो कुछ मिला है अल्लाह ही की तरफ से है और उस पर अल्लाह ही की तारीफ़ करनी चाहिए वही है जिसने तुम्हें मट्टी से पैदा किया फिर उसने मौत का एक वक्त मुकरर किया और क्यामत का वक्त मुकरर भी उसी के पास है फिर भी तुम शक करते हो इंसान की तख्लीक मट्टी से हुई हदीस में आता है अल्लाह जल्ला ने आदम को एक मुट्ठी मट्टी से पैदा किया था जो उसने सारी जमीन से इकट्ठी की थी यही वजह है कि बनी आदम जमीन ही की तरह हैं चनाचे कुछ सफेद हैं कुछ सुर्ख हैं कुछ, है, कुछ स्याफाम हैं और कुछ इसके दरम्यान इसी तरह कुछ खबीस हैं कुछ उम्दा हैं कुछ नरम है कुछ गमगीन और कुछ उनके दरमियान जैसी मट्टी वैसा मिजाज और वो अल्लाह ही महबूद बरहक है आसमानों में और ज़मीन में वो तुम्हारे पोशीदा और जाहिर को जानता है और वो जानता है जो कुछ तुम कमाते हो यानी अल्लाह ताला से कुछ भी पोशीदा नहीं लिहाजा जाहिर और बातिन में अल्लाह का बंदा बनना चाहिए और उसके मना करदा कामों से बचना चाहिए दुनियावी अमाल होंम सबको अल्लाह जानता है और उनके पास उनके रब की निशानियों में से जो निशानी भी आती है वो उससे मुंह फेर लेते हैं नाकदरी करते हैं निशानियों की भी नाकदरी करते हैं तो जो आयत की निशानियों की नाकदरी करता है वो फिर हिदायत कैसे पा सकता है बस बेशक उन्होंने हक को झुटलाया बस बेशक उन्होंने हक़ को झुटला दिया जबकि वो इनके पास आ चुका था तो जल्द ही इनके पास उस चीज़ की खबरें आ जाएंगी जिसका वो मजाक उड़ाते रहे हैं यानी अजाब की क्या इन्होंने देखा नहीं कि हमने इनसे पहले कितनी ही कौमों को हलाक कर दिया जिन्हें हमने जमीन में ऐसा इकतदार दे रखा था जो हमने तुम्हें नहीं दिया और हमने इन पर आसमान से बहुत बरसने वाला मी भेजा और हमने नहरें बनाई जो इनके नीचे बहती थीं, फिर हमने इन्हें इनके गुनाहों की वजह से हलाक कर दिया और इनके बाद हमने दूसरी कौमें उठाईं यहाँ कुफ़ार को, को तम्बी की जा रही है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफ़त पर तुले हुए थे कि देख लो पिछली कौमों का अंजाम क्या हुआ जब उन्होंने अपने पैगम्बरों की बात नहीं मानी हम देखते हैं कि बाज़त हम भी नाफ़रमानियाँ कर रहे होते हैं लेकिन हमारी नियमतों में कमी नहीं होती तो याद रखिए ये इस्तदराज के तौर पर होता है अल्लाह किसी को भी एक दम नहीं पकड़ता ढील देता रहता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम देखो कि अल्लाह ताला किसी शख्स को उसकी नाफरमानियों के बावजूद दुनिया में उसे वो कुछ अता फरमा रहा है जो वो चाहता है यानी जो इंसान चाहता है तो ये इस्तराज यानी ढील देने के बाद फौरन पकड़ लेना है फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही आयत ये आयत तिलावत फरमाई नसू मा दुख की फतहना अलैहिम पता अब कुल्ली अबुल्ल कि जब उन्होंने उन चीज़ों को फरामोश कर दिया जिनके ज़रिए इन्हें नसीहत की गई थी तो हमने इन पर हर चीज़ के दरवाज़े खोल दिए हती कि जब वो ख़ुद को मिलने वाली नेमतों पर इतराने लगे तो हमने अचानक उन्हें पकड़ लिया और वो नाउमीद होकर रह गए यानी नाफ़रमानियों के बावजूद अगर नेमतें मिली हुई हैं तो फिर अल्लाह से डरो ऐसा ना हो कि अचानक पकड़ आ जाए वलून जल्लाई का किताबनफ़ी क्रता और अगर हम आप पर कागज़ पर लिखी हुई एक किताब नाजिल करते फिर वो उसे अपने हाथों से छू भी लेते टच कर लेते, तब भी जिन लोगों ने कुफर किया वो ज़रूर कहते कि ये तो खुला जादू है यानी फिर भी यकीन ना करते जिन्होंने नहीं मानना होता वो नहीं मानते और उन्होंने कहा और इन्होंने कहा कि इस पर कोई फ़रिश्ता क्यों नहीं उतारा गया और अगर हम कोई फ़रिश्ता उतार देते तो मामला का फ़ैसला ही कर दिया जाता फिर वो मोहलत न दिए जाते और अगर हम इस रसूल को एक फरिश्ता बनाते तो हम इसे लाजमन एक आदमी ही बनाते और हम इनको इसी शबे में डाल देते जिसमें वो अब पड़े हुए हैं जिसमें ये अब पड़े हुए हैं यानी अल्लाह ताला के लिए फरिश्तों को रसूल बनाकर भेजना कुछ मुश्किल नहीं है ये इसलिए नहीं अल्लाह ने इंसान को भेजा कि अल्लाह तुम मुश्किल थी कोई उसके लिए नामुमकिन था लेकिन बात यह है कि फरिश्ते तो नजर नहीं आते अगर वो रसूल होते और उनको कोई देख भी ना सकता तो फिर उनकी पैरवी कैसे होती तो इंसानों की शक्ल देखी जाती है और फिर यह है कि अगर फरिश्ते को रसूल बनाया जाता तो फिर एक और एतराज होता कि यह कैसा रसूल है जिसे हम देख भी नहीं सकते अब यह तो नहीं हो सकता ना कि यानी दो में से एक चीज होती या तो फरिश्ता नजर ना आता या नजर आता नजर आता तो इंसानी शक्ल में नजर आता तो फिर अगर इंसान ही नज़र आना था उसने तो इंसानों में से रसूल क्यों नहीं और हिकमत क्या है कि इंसान इंसानों के मिजाज को ज़्यादा समझते हैं और उनके लिए ज़्यादा बेहतरीन रहनमाई कर सकते हैं और यक़ीन आपसे पहले कई रसूलों का मजाक उड़ाया गया तो उनमें से जिन लोगों ने मज़ाक उड़ाया उन्हें उसी ने घेर लिया जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे तो यहाँ बड़ी तसली दी जा रही है नबी सल्ला व्ल्लम को और हमें भी इसमें तसली पानी चाहिए कि अगर हम दीन के रस्ते पर चलेंगे तो मजाक उड़ाया जाएगा लेकिन अगर कोई मजाक उड़ाए तो दिल शिकस्ता ना हो परेशान ना हो गमगीन ना हो क्योंकि तमाम अंबिया का मजाक उड़ाया गया और उस वक्त इंसान क्या याद रखे कि आकबत आखिरत तो मुत्तकीन के लिए ही है ये तो चंद दिन की बात है कह दीजिए चलो फिर वो ज़मीन में फिर देखो कैसा हुआ अंजाम जुटलाने वालों का कह दीजिए किसका है जो कुछ आसमानों और जमीन में है कह दीजिए ही का है उसने अपनी जात पर रहमत करना लाजिम कर लिया है वो तुम्हें कयामत के दिन जरूर जमा करेगा जिसके आने में कोई शक नहीं है वो लोग जिन्होंने अपने आप को खसारे में डाला बस वह ईमान नहीं लाएंगे अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात पर रहमत लिख रखी है इसका मतलब यह है कि वो नेक सब पर अपनी रहमत फरमाता है लेकिन कामिल रहमत के नेक बंदों के लिए है और बाकी लोगों के लिए वक्ती रहमत है ठहरा हुआ है और वो खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है कह दीजिए क्या मैं अल्लाह के सिवा किसी और को अपना सरपरस बना लू वो अल्लाह जो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है हालांकि वही खिलाता है और वो खिलाया नहीं जाता कह दीजिए बेशक मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं सबसे पहला फर्मा करने वाला बन जाऊं और यह कि आप हरगिज शिरक करने वालों में से ना हो कह दीजिए कि अगर मैंने अपने रब की नाफ़रमानी की तो बेशक मैं एक बड़े दिन के अजाब से डरता हूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ये बात कहलवाई जा रही है कि अगर मैं नाफरमानी करूँ तो मुझे भी अपने रब से डर लगता है यानी आपकी ज़बान से ऐलान करवा दिया गया है कि नेक बंदे से भी नाफ़रमानी का इरतक हो जाए और वो तोबा ना करे तो उसकी भी पकड़ हो सकती है तो कभी भी बेफिक्र होके ना बैठ रहे हैं कि हम बड़े नेक हैं हम नमाज़ें भी पढ़ते हैं सद का भी करते हैं तो क्या हुआ अगर हम कुछ काम ना भी करें और कोई गलत काम भी कर लें नहीं हमेशा अल्लाह से डरते हुए ज़िंदगी बसर करनी चाहिए जिस किसी से उस दिन वो अज़ाब फेर दिया गया तो यकीनन उसने उस पर रहम किया और यही वाज कामयाबी है

दूर नहीं कर सकता फला का शिफल अल्लाह और अगर वो खैर पहुंचाने का इरादा कर ले तो पूरी तरह खैर पहुंचा सक कोई इंसान रोक ही नहीं सकता हर नमाज के बाद हम दुआ पढ़ते आ लिमा आती वतिया लिमा मना वलाफाउल जद मिन कल जद वहू अल्का इबादही वहू अल हकीमल और वो अपने बंदों पर पूरी तरह गलबा रखने वाला है और वो बहुत हमत वाला खूब खबर है कुल इन शहादतन, कुल शई इन अकबर शहादतन, कुल कुल शैी इन अकबर शहादता कुल्लादी कह दीजिए कौन सी चीज़ गवाही के अतबार से सबसे बड़ी है कह दीजिए अल्लाह जो मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह है और मेरी तरफ ये क़ुरान वही किया गया है ताकि मैं इसके ज़रिए तुम्हें और जिस जिस को ये पहुँचे उन सब को खबरदार कर दूँ इसीलिए आप देखें कि मुसलसल जो सिपारे आप पढ़ रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं कि अल्लाह सुबहान सब को ख़बरदार कर रहे हैं अहले किताब हों बनी सराइल हों यहूद नसारा हों मशरक हों मशीन मक्का हों हती के अहले ईमान भी तो सब के लिए इस किताब के अंदर वार्निंग्स हैं कि इसके मुताबिक अपना अमल दुरुस्त कर लो यानी बाजों का हम कोई सख्त बात पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों फरमाया लेकिन बात यह कि अल्लाह ताला ने जो भी ऐसे अकावत दिए हैं वो दरअसल हमारे ही फायदे के लिए दिए हैं बाज बातें सिर्फ उस वक्त समझ आती हैं जब कोई डांट के बात करे क्या वाकई तुम गवाही देते हो कि बेशक अल्लाह के साथ कुछ और महबूद भी हैं कह दीजिए मैं गवाही नहीं देता कह दीजिए बेशक वो एक ही मबूद है और मैं बरी वजिम्मा हूँ उनसे जिन्हें तुम शरीक ठहराते हो वो लोग जिन्हें हमने किताब दी वो इसे वो लोग जिन्हें हमने किताब दी वो इसे इस तरह पहचानते हैं जिस जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हैं वह लोग जिन्होंने अपने आप को खसारे में डाला सो वो ईमान नहीं लाएंगे किताब अपने दिलों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई को मानते थे उन्हें शक नहीं था जैसे किसी को अपने बेटे को पहचानने में कोई शक नहीं होता लेकिन जिद और हट धर्मी की वजह से इकरार नहीं करते थे कहते नहीं थे इनकार करके अपने आप को खसारे में डाल रहे थे तो ऐसे लोगों से ईमान की उम्मीद नहीं रखी जा सकती जो शख्स जिद में आ जाए ना पर उससे फिर किसी खैर की तो रखे और उससे बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ घड़ ले या उसकी आयात को जुटलाए बेशक जालिम लोग फलाह नहीं पाएंगे और जिस दिन हम इन सबको इकट्ठा करेंगे फिर हम इन शिरक करने वालों से पूछेंगे कहाँ है तुम्हारे वो शरीक जिनके मबूद होने का तुम दावा करते थे फिर उनका उज़र बस यही होगा कि ये कहेंगे कसम अल्लाह की जो हमारा रब है हम शिरक करने वाले न थे सुबहान अल्लाह यानी सब कुछ करके और वहाँ झूठ बोलेंगे समझते होंगे जैसे दुनिया में झूठ बोल के काम निकाल लेते थे यहाँ भी कुछ हो जाएगा यहाँ भी मसला हल हो जाएगा ओन र कई फकत अब अला अन देखिए कैसे इन्होंने खुद अपने बारे में झूठ बोला और इनसे गुम हो गए वो सब जो वो घड़ा कर जो ये घड़ा करते थे और इनसे गुम हो गए वो सब जो ये घड़ा करते थे और इनमें से कोई वो है जो आपकी तरफ कान लगाता है और हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं कि वो इसे समझ ही ना सकें और इनके कानों में बोझ है और अगर ये हर निशानी देख लें तब भी इस पर ईमान नहीं लाएंगे यहाँ तक कि जब ये आपके पास आते हैं तो आपसे झगड़ा करते हैं ये लोग जिन्होंने कुफर किया कहते हैं कि ये तो महज पहलों की कहानियाँ हैं और ये दूसरों को भी इससे रोकते हैं और खुद भी इससे रुके रहते हैं और ये महज अपने, अपने, अपने आप ही को हलाक कर रहे हैं और ये महज अपने आप ही को हलाक कर रहे हैं और ये शऊर नहीं रखते यानी ये लोग सिर्फ खुद ही क़ुरान के बारे में डाउट्स नहीं रखते या तानो तशनी नहीं करते बल्कि औरों को भी इस तरफ आने से रोकते हैं और आप देखिए अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम मुसलमानों के अंदर ऐसे लोग हैं कि जो कुरान पढ़ने से लोगों को खासतौर पर तर्जमा पढ़ने से रोकते हैं और खुद भी दूर रहते हैं और अगर आप वो वक्त देखें जब ये आग पर खड़े किए जाएंगे तो ये कहेंगे आकाश हम वापस लौटा दिए जाएं और हम अपने रब की आयत को ना जुट और हम ईमान लाने वालों में से हो जाएं बल्कि इनके लिए वो सब जाहिर हो जाएगा जो इससे पहले ये छुपाया करते थे और अगर ये दुनिया में लौटा भी दिए जाएं तो ये ज़रूर वही कुछ करेंगे जिससे ये रोके गए थे और बिलाशुबा यकीनन ये झूठे हैं यानी कि आमद के दिन हर चीज़ की हकीक़त खुल जाएगी इससे पहले जिस कुफर और शर्क और निफाक को वो झूठी कस्में खा के छुपाने की कोशिश कर रहे थे उसकी असल हकीकत खुल जाएगी वक़ालिया हयात दुनिया वमानबूसिन और ये कहते हैं कि हमारी ये दुनिया की ज़िंदगी ही असल ज़िंदगी है और हम और हम हरगज़ उठाए जाने वाले नहीं हैं यानी क्यामत का इनकार करते हैं मरने के बाद दोबारा जिंदा होने का इनकार करते हैं और अगर आप वो वक्त देखें जब ये अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे तो वो फरमाएगा क्या ये हक नहीं है ये कहेंगे क्यों नहीं हमारे रब की कसम वो फरमाएगा फिर चखो अजाब उस कुफर की वजह से जो तुम किया करते थे قد قد خسر خسر الذين الذين كذبوا بلقاء الله यकीन खसारे में रहे वो लोग जिन्होंने अल्लाह की मुलाकात को जुटलाया यहां तक कि जब इनके पास क्यामत की घड़ी अचानक आ जाएगी ये कहेंगे हाय अफसोस उस पर जो हमने इसमें कोताही की और ये अपने बोझ अपनी पुश्तों पर उठाए हुए होंगे ख़बरदार कितना बुरा है वो बोझ जो ये उठाएंगे वमल दुनिया हयातनियाबूम यत्तकून अफला ताकिलून और दुनिया की ज़िंदगी खेल और तमाशे के सिवा कुछ नहीं और आखिरत का घर यकीनन बेहतर है उन लोगों के लिए जो तकवा इख्तियार करते हैं क्या फिर तुम अक़ल से काम नहीं लेते दुनिया की ज़िंदगी की हकीकत बताई जा रही है और दुनिया के मुकाबले में आखिरत की बेहतरी की बात की जा रही है लेकिन वो किसके लिए बेहतर होगी जो इख्तियार करते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक आर्जी चीज़ और एक कमतर दर्जे की चीज़ को तुम ज़्यादा अहमियत दे रहे हो उस पर जो पायदार है और हमेशा रहने वाली है और सबसे बेहतरीन है क्या तो अक्ल से काम नहीं लेते अफलाता बिलाशुबह हम जानते हैं कि वाकई ये बातें आपको गमगीन करती हैं जो ये कहते हैं तो दर हकीकत ये आपको नहीं जुटलाते बल्कि ये ालिम अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं नबी अलैहि वसल्लम को यहाँ तसल्ली दी जा रही है कि जब तक नबूबत का दावा नहीं किया था आपने तो आपकी कौम आपको सादक और अमीन कहती थी जो ही आपने अपने नबूबत का एलान किया अल्लाह की आयात सुनाना शुरू की तो इनमें से अक्सर आपकी मुखालफत पर कब्र बस्ता हो गए और नउज बिल्ला आपको झूठा करार देने लगे तो आपको तसल्ली दी जा रही है कि आप फिक्र नहीं करेंगे आपके ऊपर नहीं आ रही बात आप तो हमारी आयात सुनाते हैं ये तो दरअसल हमें झूठा करार दे रहे हैं, हमारी आयात को जुटला रहे हैं वो लकदर अला मा नसरुना और यकीन आपसे पहले भी कई रसूल जुटलाए गए तो उन्होंने सब्र किया उस पर वो जो तो उन्होंने सब्र किया उस पर जो वो झुटलाए गए और सताए गए यहाँ तक कि हमारी मदद इनके पास आ गई और अल्लाह के कलमात को कोई बदलने वाला नहीं और यकीनन आपके पास रसूलों की कुछ खबरें आ चुकी हैं तो इससे पता चलता है कि दूसरों के झुटलाने की परवाह किए बग़ैर सुकून से दावत का काम जारी रखना चाहिए सब लोग आपके हम ख्याल नहीं हो सकते आपसे मुत्तफिक नहीं हो सकते आपके साथ नहीं चल सकते तो क्या आप उनके अलग होने पर गमगी नहीं होते रहेंगे दुखी होते चले जाएंगे नहीं आप अपना सफ़र जारी रखें जो काम करना है वो करते रहें और सब्र से काम लें और अगर इनका एराज करना आप पर बहुत भारी है तो अगर आप में इस है कि ज़मीन में एक सुरंग तलाश कर सकें या आसमान में एक सीढ़ी लगा सकें फिर इनके पास कोई निशानी ले आएँ तो ऐसा कर देखें और अगर अल्लाह चाहता तो ज़रूर इन सब को हिदायत पर जमा कर देता बस आप हरगज़ नादान लोगों में से ना हों बेशक बात को वही कबूल करते हैं जो सुनते हैं और रहे मुर्दे तो अल्लाह ही उन्हें उठाएगा फिर उसी की तरफ वो लौटाए जाएंगे तो इससे क्या पता चलता है कि मुर्दे नहीं सुनते और जो सुनते हैं वो जवाब देते हैं तो मुर्दों का जवाब कभी सुना आपने जो लोग कब्रों पे जाके उनसे दुआएं करते हैं क्या उन्होंने कोई जवाब दिया कभी और अगर दिया तो वो कभी सुना आपने नहीं तो फिर क्यों पुकारते हैं क्या अल्लाह असमी है यकीन है तो जिसका सुनना यकीनी है उससे तो आप मांग नहीं रहे और जो सुन नहीं रहे या अगर व महाल कहें कि सुन रहे थे तो जवाब भी नहीं देते तो उनको आप पुकारे चले जा रहे हैं और अपना ईमान बर्बाद कर रहे हैं और ये कहते हैं इस नबी पर इसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतारी गई कह दीजिए बेशक अल्लाह इस पर क़ादर है कि वो कोई निशानी उतारे लेकिन इनकी अक्सरियत इल्म नहीं रखती मुनकरीन नबूवत का एक और शबा है और उसका जवाब दिया जा रहा है कि अगर ये अल्लाह के रसूल हैं तो अपने साथ नज़र आने वाला कोई मुजजा क्यों नहीं लेकर आते जिसे देख के हर शख्स मान जाए कि वाकई ये रसूल हैं तो अल्लाह ने जवाब दिया कि अल्लाह ऐसा करने पर क़ादर है मगर उसकी हमत और मसलियत है कि अगर साफ खुली निशानी आ जाए और फिर लोग ना माने उसको तो फौरन अज़ाब आ जाएगा तो उसकी रहमत का तकाजा है कि इनको हलाक ना किया जाए मगर इनके अक्सर इस बात को नहीं जानते क्योंकि बाजत इंसान अपने लिए बज़ाहिर खैर मांग रहा होता है लेकिन वो उसके लिए शर होता है अपनी कम अकली की वजह से अपनी नासमझी की वजह से तो बात यह है कि अल्लाह तो कादिर है वो कोई भी निशानी ला सकता है लेकिन कोई एक मिसाल दीजिए कि निशानियां देख कर वाकई लोग ईमान ले आए हों सिवाश फिर के जादूगरों के आमतौर पर क्या होता है कौमिस को उठनी दिखाई गई अहले मक्का ने चांद का अपने आंखों से नेके डाई से चांद का दो हिस्सों में बटना और फिर दो मुख्तलिफ सम से दोबारा वापस जाके जुड़ना ये सब उन्होंने देखा लेकिन जिद का शिकार थे इसलिए सुनना ही नहीं चाहते थे सुना ही नहीं और जमीन में जितने भी जानदार हैं और जितने भी परिंदे अपने दोनों परों के साथ उड़ते हैं और जितने भी परिंदे अपने दोनों परों के साथ उड़ते हैं वो तुम्हारी ही तरह की उम्मतें हैं हमने किताब में किसी चीज की कमी नहीं की फिर अपने रब की तरफ वो इकट्ठे किए जाएंगे अपने रब की तरफ वो इकट्ठे किए जाएंगे तो इससे ये पता चलता है कि क़यामत के दिन उन्हें भी उठाया जाएगा लेकिन उनका आपस में बदले दिलाकर हिसाब चुका दिया जाएगा उनको बाद में ख़त्म कर दिया जाएगा कोई अजाब सवाब नहीं होगा लेकिन अगर एक सींग वाली बकरी ने बेसींग बकरी को टक्कर मारी होगी तो उसका भी बदला दिलवाया जाएगा यानी जितनी उनको सेंस थी उसके मुताबिक उनका भी हिसाब है वल्लिन कदाबू बयातना सुम मुम बुक मुन्नफुल और जिन लोगों ने हमारी आयात को झुटलाया वो बहरे और गुंगे हैं अंधेरों में हैं जिसे अल्लाह चाहता है उसे भटका देता है और जिसे चाहता है उसे सीधे रस्ते पर डाल देता है कह दीजिए क्या तुमने कभी गौर किया कि अगर तुम्हारे पास अल्लाह का अजाब आ जाए या तुम पर क्यामत की घड़ी आ जाए तो क्या उस वक्त तुम अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारोगे अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो तो बताओ मुश्किल वक्त में किसको पुकारते थे हैं मक्का भी अल्लाह तआला को और सारे बुत भूल जाते थे बल्कि सिर्फ तुम बल्कि सिर्फ उसी को तुम पुकारोगे बल्कि तुम सिर्फ उसी को पुकारोगे फिर अगर वो चाहेगा तो उस मुसीबत को दूर कर देगा जिसके लिए तुम उसे पुकारोगे और तुम भूल जाओगे जिन्हें तुम शरीक ठहराते थे और यकीन हमने आपसे पहले कई उम्मतों की तरफ़ रसूल भेजे फिर हमने उन्हें तंगी और तकलीफ़ के साथ पकड़ लिया ताकि वो भी आजजी करें फिर क्यों ना उन्होंने आजजी इख्तियार की जब उन पर हमारा अजाब आया फिर क्यों उन्होंने आजजी न फिर क्यों उन्होंने आजजी इख्तियार न की जब उन पर हमारा अजाब आया बल्कि उनके दिल और सख्त हो गए और शैतान ने उनके लिए खूबसूरत बना दिया जो कुछ वो किया करते थे पलम्मा अलैहिम पता अवा बकुल्लिशी फिर जब वो उसे भूल गए जिसकी उनको नसीहत की गई थी तो हमने उन पर हर उम्दा चीज़ के दरवाज़े खोल दिए यहाँ तक कि जब वो उस पर इतराने लगे जो वो दिए गए थे तो हमने उनको अचानक पकड़ लिया तब वो बिल्कुल मायूस होकर रह गए बस जड़ काट दी गई उन लोगों की जिन्होंने जुल्म जुन्हों किया था और सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का रब है कह दीजिए क्या तुमने गौर किया कि अगर तुम अल्लाह तुम्हारी समात और तुम्हारी निगाहें ले जाए और तुम्हारे दिलों पर मुहर लगा दे तो अल्लाह के सिवा कौन ऐसा मा, तो अल्लाह के सिवा कौन सा माबूद है जो इन्हें तुम्हारे पास वापस ला दे। देखिए कैसे हम आयत को फेर फेर कर लाते हैं फिर भी ये एराज करते हैं कह दीजिये, कह दीजिए, दीजिए, क्या गौर किया तुमने अगर अल्लाह का अज़ाब तुम पर अचानक या एलानिया आ जाए या अलानिया आ जाए तो क्या जालिम कौम के सिवा कोई और हलाक किया जाएगा और हम रसूलों को सिर्फ खुशखबरी देने वाले और ख़बरदार करने वाले बनाकर भेजते हैं फिर जो कोई ईमान ले आए और इसलाह कर ले तो उन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे और जिन लोगों ने हमारी आयत को जुटलाया उन्हें अजाब छू कर रहेगा इस वजह से कि वो नाफ़रमानी करते थे कह दीजिए मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं और ना मैं ग़ैब जानता हूँ और ना मैं तुमसे ये कहता हूँ कि मैं कोई फरिश्ता हूँ मैं तो सिर्फ उस चीज़ की पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ वही की जाती है कह दीजिए क्या नाबीना और देखने वाला बराबर हो सकते हैं क्या फिर तुम गौर फिक्र नहीं करते अहल मक् नबी सल्ला व्म से मुतालबा कर रहे थे कि अगर तुम अल्लाह के रसूल हो तो अल्लाह ताली से मुतालबा करो कि हमें दुनिया का साजो सामान और फ़रावानी हासिल हो जाए तो उस आयत के तो इस आयत में इस बात का जवाब दिया जा रहा है कि मेरे पास अल्लाह के ख़ज़ाने नहीं हैं ना मैं गैब जानता हूँ ना मैं फरिश्ता हूँ माल अता करना ख़जाने अ करना सिर्फ़ अल्लाह का काम है ग़ैब जानना भी अल्लाह की सिफत है और इसी तरह फरिश्ता रसूल नहीं होता इंसानों के लिए इंसान ही रसूल होते हैं और इस कुरान के जरिए उन लोगों को खबरदार कीजिए जो डरते हैं कि वो अपने रब की तरफ इकट्ठे किए जाएंगे ना उनका उसके सिवा कोई दोस्त होगा और ना सफारशी ताकि वो तकवा करें यानी लोगों को डराने का फायदा क्या होगा कि उनका खौफ बढ़ जाएगा और वो गुनाहों से बचने लगेंगे जो जिनसे अभी तक नहीं बचे और आप उन लोगों को अपने से दूर ना कीजिए जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं जो उसका चेहरा चाहते हैं आप पर इनके हिसाब में से कुछ नहीं और ना आपके हिसाब में से इन पर कोई चीज है अगर फिर भी आप इन्हें दूर करें तो आप हक तलफी करने वालों में से हो जाएंगे साथ रज़ी बयान करते हैं कि हम छः आदमी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे मुश्किन ने कहा इन लोगों को अपनी मजलिस से निकाल दें ताकि हम पर जुरत ना कर सकें इन लोगों में मैं था इब्न मसूद थे हुजैल का एक और आदमी और दो और जिनका मैं नाम नहीं लेता तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में अल्लाह ने जो चाहा ख्याल आया आप अभी सोच ही रहे थे कि अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फ़रमा दी अली मुशर ने क्या मुतालबा किया था।, था इन लोगों को मजलिस से निकाल दे फिर हम आएंगे हम इनके बराबर नहीं बैठ सकते अब जो भी आप सोच रहे थे अल्लाह ताला ने आए उतार दी कि नहीं आप इनको दूर नहीं फेंकेंगे आप इनको अपने से दूर नहीं करेंगे याद रखिए ज़िंदगी में वो शख्स जो अल्लाह का तालब हो अल्लाह से मुहब्बत रखता हो चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो उसको सबसे मुक़दम रखा जाए उसको इज़्ज़त दी जाए उससे मोहब्बत की जाए हम दुआ भी करते हैं ना अल्लाह उमर जुकन हब्बा का वहब्बा मयू हब्बू का वहब्बा अम्यु करबुन अला हब्बी का और इसी तरह हमने इनके बास को बास के ज़रिए आजमाया ताकि वो कहें क्या यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने हमारे दरमियान में से एहसान किया है क्या अल्लाह शुक्र करने वालों को बखूबी जानने वाला नहीं अब हुआ यह कि ये कमज़ोर लोग जो थे इनका ईमान लाना सरदारों के लिए आजमाइश बन गया आप जानते हैं कि इब्तदा में नबी अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों की अक्सरियत कमज़ोर मर्दों औरतों लोनियों गुलामों की थी दौलतमंद लोग जो इन्फ्लुन्शल लोग होते हैं वो बहुत कम थे अब दूसरे लोग आगे निकल गए ये पीछे रह गए अब ये एक और फितना बन गया इनके लिए और वैसे भी आप देखें कि जिनको अल्लाह ने ज्यादा दिया होता है ना दुनिया में अमूमन उनके अंदर तकबर आसानी से आ जाता है जो टूटे दिल वाला हो वो आजिज मस्किन ही रहता है फिर फरमाया और जब आपके पास वो लोग आए जो हमारी आयात पर ईमान लाते हैं तो कह दीजिए सलाम है तुम पर तुम्हारे रब ने अपनी ज़ात पर रहमत लाजिम कर रखी है बेशक तुम में से जो कोई जहात की वजह से बुराई का इरतकब करे फिर वो उसके बाद तौबा कर ले और इसलाह कर ले तो बेशक वो बहुत बख्शने वाला निहायत रहम करने वाला है यहाँ कमज़ोर अहले ईमान की इज़्ज़त अफज़ाई की गई है क्योंकि वो उनको सरदार लोग क्या चाहते थे इनको नबी सल्लल्लाहु सल्लम अपने अपने से दूर हटा दें तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को खुशबरी दी कि ये इस्लाम लाने के बाद अल्लाह के अजाब से अमन में आ गए हैं अबिन पर अबिन इन की इन अमाल पर पकड़ नहीं होगी जो इन्होंने कुफर की जिंदगी में किए थे वह कदालिकआयाति वली तस्तबीन सबील मुजरमीन और इसी तरह हम आयात को खोल खोल कर बयान करते हैं और ताकि मुजरमों का रास्ता खूब वाजे हो जाए पता चल जाए कि कौन हक पर है और कौन भटका हुआ कह बेशक मुझे इससे रोक दिया गया है कि मैं उनकी इबादत करूं जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़ कर पुकारते हो कह दीजिए मैं तुम्हारी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करूँगा वरना तब तो मैं भटक जाऊंगा और हिदायत पाने वालों में से नाहूंगा कह दीजिए यकीन मैं अपने रब की तरफ से एक वाज दलील पर हूँ और तुमने उसे झुटला दिया मेरे पास वो चीज नहीं है जिसे तुम जल्दी तलब कर रहे हो तो सिर्फ अल्लाह ही का है वो हक बयान करता है और वो फैसला करने वालों में सबसे बेहतर है कह दीजिए अगर मेरे पास वो होता जो तुम जल्दी तलब कर रहे हो, यानी अज़ाब, तो मेरे और तुम्हारे दरमियान मामले का फैसला जरूर हो चुका होता और अल्लाह ालिमों को खूब जानता है किसी कौम पर अजाब उसके नबी की मर्जी से नहीं आया अल्लाह की मर्जी से यानी अजाब का फैसला भी अल्लाह के इख्तियार में है वह मफातिहुल हू मफातुल गई इल्ला हु और उसी के पास ग़ैब की कुंजियां हैं जिन्हें उसके सिवा कोई नहीं जानता व यामुमा वल बाहर और वो जानता है जो कुछ खुशकी और समुन्दर में है और कोई पत्ता नहीं गिरता मगर वो उसको जानता है और ना कोई दाना ज़मीन के अंधेरों में और ना कोई तर चीज और ना कोई खुश्क मगर उस मगर सब एक वाज किताब में है और वही है जो रात को नींद में तुम्हारी रूह कब्ज़ कर लेता है और वो जानता है जो तुम दिन के वक्त कमाई करते हो फिर वो तुम्हें उसी दिन फिर वो तुम्हें उस दिन में उठा देता है फिर वो तुम्हें इस दिन में उठा देता है ताकि वक्त मुकर पूरा किया जाए फिर उसी की तरफ तुम्हारा लौटना है फिर वो तुम्हें बताएगा जो कुछ तुम किया करते थे तो यहाँ अल्लाह की कमाल कुदरत का बयान है त, वो क्या क्या करता है यह तवफा कुम बिल्ली यानी नींद कब्ज कर लेता है तुम मयबासु कुम फी दिन के वक्त तुम्हारी लौटा रूह लौटा देता है इससे पता चलता है कि नींद भी एक तरह की मौत ही है और ये क्यों होता है लिय खुदा अजल मुसम्मा यानी तुम में से हर एक के लिए जो रिस्क और उम्र की हद मुकर है वो पूरी हो जाए तुम मैं इले ही को, फिर वापसी उसी की तरफ होगी उसी की तरफ मर है तो इससे अल्लाह की कमाल कुदरत साबित होती है वहल्क़ाहरूफ़ोका इबादही व यसलोल कम हफ़ा हत्जाजा अहद कुमुलम तवफु रसुलना वमला युफरतून और वह अपने बंदों पर गालिब है और वही तुम पर निगहबान फ़रिश्ते भेजता है यहाँ तक कि जब तुम में से किसी एक को मौत आती है तो हमारे भेजे हुए फ़रिश्ते फ़ोत कर लेते हैं और वो कोई कोताही नहीं करते कुछ फरिश्ते तो आते हैं ना हमारे अमाल लिखने के लिए सुबह शाम उनकी ड्यूटी चेंज होती है जिनको किराम कातबीन आप कहते हैं और फिर कुछ और फरिश्ते आते हैं किस लिए बहुत से काम है फरिश्तों के आते हैं रूह निकालने के लिए जान लेने के लिए हैं फरिश्ते लेकिन जान भी लेते हैं तुमरदू अल्लाम अलाकम बहु असरासिबीन फिर वो अल्लाह की तरफ लौटाए जाते हैं जो उनका हकीकी मौला है खबरदार उसी के लिए फैसले का इख्तियार है और वो सबसे ज्यादा जल्द हिसाब लेने वाला है कुल मयून जी कुमाब्री वाहर कह दीजिए कौन तुम्हें खुश्की और समुंदर के अंधेरों से निजात देता है तुम उसी को गिड़गिड़ा कर और चुपके चुपके पुकारते हो अलबा अगर उसने हमें इस मुश्किल से निजात दे दी तो यकीन हम ज़रूर शुक्र गुजारों में से हो जाएंगे अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं जब मुश्किल आती है तो अल्लाह को रो रो के पुकारते हैं अच्छा बाज़ तो पुकारते भी नहीं हैं वो लोगों से ही आ, लोगों से ही बात करना चाहते हैं किसी ने मुझे मैसेज किया कि अगर आपके पास एक घंटा है तो मैं आपको अपनी कोई बात परेशानी शेयर करना चाहती तो मैंने उनसे कहा मैं बहुत माजरत खाऊँ मैं दौरा कुरान में मसरूफ़ हूँ मुझे पूरे पारे की तैयारी करनी होती है तो आपको मेरी एडवाइस ये है कि आप वजू करके एक घंटे के लिए मुसलसल नफल पढ़ के रो के अल्लाह ताला से फरियाद करें तो आपको मुझे बताने की ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी और इन शाला आपका मसला हल हो जाएगा आप देखें एक घंटा इंसान को हम कहानी सुनाना चाहते हैं हम एक घंटा नफल क्यों नहीं पढ़ना चाहते हम एक घंटे के लिए रात के आखिरी हिस्से में क्यों नहीं उठते जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं है कोई जो मुझसे मांगे तो मैं उसको दूं है कोई जो मुझसे बख्शिश मांगे तो मैं उसको बख्श दूं हम फिर सोचते हैं इंसान भी तो हों जो हमारे दुखों और ज़ख्मों पर मरहम रखे ठीक है इंसान इंसान का दारू है लेकिन हम इंसानों से ही सारी तो क्यों रखते हैं कि ये हमारा मसला हल कर देंगे वो तो खुद कमज़ोर हैं वो तो ख़ुद फकीर हैं उनकी तो अपनी लिमिट्स हैं उनका इल्म भी महदूद है उनके पास कोई कु्वत ताकत भी नहीं सारे इख्तियार मालिक तो अल्लाह है आसमान ज़मीन का मालिक तो वो है हम उसके दर पे क्यों नहीं जाते और रो के उसको क्यों नहीं पुकारते उसके आगे सजदे में क्यों नहीं गिड़गिड़ाते उसके नाम पर सदका खैर क्यों नहीं करते जो बलाओं को टालता है हम उस अल्लाह के बंदों की खिदमत क्यों नहीं करते हम मोहसिन क्यों नहीं बनते हम लोगों के काम संवारने लगे हदीस में आता है ना कि अल्लाह बंदे की मदद में होता है उस वक्त तक जब तक वो अपने भाई की मदद में होता है आप लोगों की खिदमत में लग जाए लोगों के काम बनाने लोगों के काम आने लग जाए आपकी मुश्किलें खुद ही आसान होने लगेंगी आपके गम धुलने लगेंगे लेकिन अगर आप सारा वक्त सिर्फ़ गम 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 खाते रहे तो वही आपके जिस्म का हिस्सा बन जाएगा और फिर पूरे ही गम में ढल जाएंगे नतीजा फिर भी कुछ नहीं निकलेगा तो उससे वो वो आए ना सूरत असाब ग लिकला तहज़नु उसने तुम पर गम पर गम भेजे ताकि तुम गमगीन ना हो तो जब मुश्किलात अपनी हद को पहुँच जाती हैं तो वहीं से उनका रास्ता उनके दूर होने का ख़त्म होने का रास्ता निकल आता है और हर वक्त हर काम के लिए एक वक्त मुकर है कज्जा अल्लाश कदरा इन इंतज़ार इंतज़ार जल्दी नहीं क्योंकि हर मसले को एक दिन हल हो ही जाना है अल्लाह से अच्छी उम्मीदें रखें और ये ये मुश्किलात तो इस वो, वो किसी शायर ने तो कहा था ना ये तो मुश्किल आती हैं तुम्हें तो ऊँचा उड़ाने के लिए लेकिन मैं समझती हूँ कि मुश्किल आती हैं हमें अल्लाह से करीब करने के लिए और हम समझ नहीं पाते तो कोई भी तकलीफ़ आए छोटी या बड़ी यही सोचें कि गुनाह जड़ने लग गए हैं और अल्लाह से करीब होने का सफ़र शुरू हो गया है कह दीजिए कौन तुम्हें खुशकी और समुंदर के अंधेरों से निजात देता है यानी रात को दिन में कौन बदलता है अल्लाह तो गमों के अंधेरे को कौन बदल सकता है अल्लाह तुम उसी को गिड़ कर और चुपके चुपके पुकारते हो जब जान जाने लगती है ना तो फिर याद आता है वो कि अगर उसने हमें इस मुश्किल से निजात दे दी तो हम जरूर शुक्रगुजारों में से हो जाएंगे कह दीजिए अल्लाह ही तुम्हें इससे भी और हर मुसीबत से निजात देता है कितनी खूबसूरत आयत है कुल्ला कर्ब ओ मिन कुल् कर्ब तुम तुम तो श्रिकुन फिर भी तुम श्र का इरतकब करते हो फिर तुम दूसरों को क्रेडिट देते हो उनकी वजह से उनके लिए उनकी खातिर यानी उसने मेरी मुश्किल आसान कर दी मुश्किल तो असल में अल्लाह ही आसान करता है कह दीजिए वो इस पर कादिर है कि तुम पर तुम्हारे ऊपर से अजाब भेजे या तुम्हारे पाँव के नीचे से या तुम्हें वो ग्रोहों में बाहम लड़ा दे और तुम्हारे बास को बास की लड़ाई का मज़ा चखा दे देखिए किस तरह हम आयत को फेर फेर कर बयान करते हैं ताकि ये समझ जाएं यहाँ अल्लाह सुबहान तफत अलदिर बयान हुई है और एक और जगह अलाहिर बयान हुई है क़ाहिर का माना होता है गालिब और ये कादिर से जायद सिफत होती है यानी खुद कादिर होने के साथ साथ दूसरे को मुराद हासिल करने से रोक देने वाला भी है अल्लाह ताला अपनी इस सिफत कहारियत की बिना पर ही कायनात को अदम से वजूद में लाया फिर वजूद को फना भी देता है उस पर ख़राबी भी तारी कर देता है तो जितना भी इस दुनिया में पैदा होने और फना होने का काम हो रहा है सब उसी के हुक्म से हो रहा है ये अल्लाह ताली की कहारीत का मज़हर है कि असल गालिब वो है और ऊपर से अजाब से मुराद आसमान से जैसे बारिश की कसरत हवाओं का चलना पत्थरों का बरसाया जाना अहकाम की तरफ से, हुक, हुकाम की तरफ से म्मतम जो आपके ऊपर है वो आप पर म करे चाहे वह बड़ा भाई है या शौहर है या कोई और है और मिनतः अर्जुल जैसे पा, पाओ के नीचे से जैसे दर्शाया जाना तूफ़ानी सैलाब जिसमें सब कुछ गर्क हो जाए या मातहत ग़ुलाम नौकर चाकर वो बदयानत हो जाए ख़ायन हो जाए सताएं काम न करके दें और अलविस कुमशिया या तुम्हारे मामले को खलत मल्त कर दे मुश्तबे कर दे कन्फ्यूज आ जाएं जिसकी वजह से तुम ग्रोहों और जमातों में बढ़ जाओ व युदी कबाद सबाज या फिर क्या करें तुम्हारे एक दूसरे को तुम्हारा एक दूसरे को क़त्ल करना और एक दूसरे को मजा चखाना इसकी राह खुल जाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ, पर जब यह आयत तो उतरी तो उस पर आपने दुआ की थी आऊज आऊ़ और तीसरी दफा आपने फरमाया कि यह अजाब हल्का और आसान है ग्रोहों में बटने वाला कौम का वहअल हक वकील और आपकी कौम ने इस बीत को जुटला दिया हालांकि ये हक है कह दीजिए मैं तुम पर कोई निगहबान नहीं हूं मेरा काम तो बस पहुंचा देना है लिकुल्ली नब इम मुस्तकर वसऊ फ़तम हर खबर का एक वक्त मुकर्रर है और करीब तुम जान लोगे सब कुछ पता चल जाएगा वो कहते थे ना कि क्यों नहीं आ जाती कब आएगी उसका एक वक्त मुकर्रर है वो तभी आएगी और जब आप लोगों को देखें कि वो हमारी आयात में बहस कर रहे हैं तो आप इनसे एराज़ बरतें यानी आप बहस में ना पड़ें यहाँ तक कि वो इसके अलावा किसी और बात में मशगूल हो जाएं, और अगर शैतान आपको भुलवा दे तो याद आने के बाद आप जालिम कौम के साथ ना बैठे तो याद रखिए दीन के मामले में बहस मुबास नहीं करना चाहिए दलील से बात दूसरे को समझा दे वो मान जाए तो वेल एंड गुड ना माने तो सलामकुम ला नब तीन क्योंकि ये तो हमारा, हमारा भी दिमाग फेर देंगे जब हक आपके पास आ जाए अल्लाह आपको दीन की समझ दे दे तो जो लोग आपको बहकाने का काम करें फिर आप उनके साथ ज्यादा इंडल्ज ना हो उस बहस मुबाहसे में क्योंकि इससे इंसान के फिसलने का खतरा लाइक हो जाता है अगर आप सिलपरी जमीन पर चलेंगे तो क्या होगा वेट फ्लोर पर चलेंगे तो क्या होगा फिसलन गिरना और अगर शैतान बुलवा दे और आप खूब तब गई बहस और खूब शुरू हो गया सिलसिला तो जो ही याद आए फौड्रॉ कर लें और जो लोग तकबा इख्तियार करते हैं उनके जिम्मा इन जालिमों के हिसाब में से कोई चीज़ नहीं है लेकिन याद दहानी करवाना है ताकि वो बच जाए यानी अगर कोई मुतकी शख्स चाहे कि ऐसे जाहलों के पास नसीहत के लिए भी ना बैठे कि उनको नसीहत ना करे तो उसके बारे में फ़रमाया अगर वो ना बैठे तो उस पर उनके गुमराह रहने का कोई गुनाह नहीं लेकिन अगर नसीहत करे वलाकिन जिक्रा, तो ये बेहतर है क्योंकि हो सकता है वो डर जाए और उसे नसीहत करने का सवाब मिल जाए और ये माना भी हो सकते हैं कि परहेज़गार लोग अगर उनकी मजलिस में नसीहत के लिए बैठ जाए तो कोई हर्ज नहीं बहस मुबास के लिए तो नहीं बैठने की इजाज़त लेकिन नसीहत के लिए बैठा जा सकता है और आप उन लोगों को छोड़ दीजिए खेल और तमाशा बना रखा है खेल तमाशा। और जिंदगी ने उन्हें धोखे में डाल रखा है और आप इस के साथ नसीहत करते रहिए कि कहीं कोई जान उस कमाई के बदले जो उसने की हलाकत में ना डाल दी जाए फिर अल्लाह के सिवा उसके लिए ना कोई मददगार हो और फिर अल्लाह के फिर अल्लाह के सिवा उसके लिए ना कोई मददगार हो और ना कोई सफारशी और अगर वो बदला दे किसी भी तरह का बदला तो वो उससे हरगिज कबूल ना किया जाएगा तो वो उससे कबूल ना किया जाएगा यही वो लोग हैं जो अपनी कमाई की वजह से हलाक कर दिए गए उनके कुफर की वजह से जो वो किया करते थे उनके लिए खोलते हुए पानी से पीना है और डर ना कजाब है पीछे नसीहत की बात हुई तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने अपने दीन को खेल तमाशा बना रखा है और दुनिया की ज़िंदगी ने उन्हें धोखे में डाल रखा आखिरत को भूले बैठे हैं आप इस कुरान के ज़रिए उन्हें नसीहत करते रहें समझाते रहें यानी नसीहत करना बेहतर है कहीं ऐसा ना हो कि कोई शख्स अपने किए की बदौलत हलाकत का यानी हलाकत में ना पड़ जाए हलाकत में न डाल दिया जाए और उसके लिए ना कोई मददगार हो ना कोई सिफारशी हो ना कोई फिदिया हदिया कबूल किया जाए इसलिए लोगों को बताना जरूरी है समझाना जरूरी है चाहे वो आपकी मुखालफत करें लेकिन बहस में ना पड़े कह दीजिए क्या हम अल्लाह के सिवा उन्हें पुकारें जो ना हमें नफा दे सकते हैं और ना नुकसान और हम अपनी एडियों पर फेर दिए जाएं, इसके बाद के अल्लाह ने हमें हिदायत दे दी उस शख्स की तरह जिसे शैतानों ने बहका दिया जमीन में हैरान और परेशान है जबकि उसके कुछ साथी उसे हिदायत की तरफ बुलाते हैं कि हमारे पास आ जाओ कह दीजिए बेशक अल्लाह की हिदायत ही असल हिदायत है ना इसकी नस्बत भी यही है कि यहाँ हिदायत का जरिया कुरान सन्नत है बस जो हिदायत अल्लाह की तरफ से आएगी वो असल हिदायत है ना कि अगर उस्ताद या कोई बुजुर्ग या कोई और लोग अपनी तरफ बुलाए या फिर अपने मन घड़त फलस तो वो हमारे लिए उजत नहीं है बेशक अल्लाह की हिदायत ही असल हिदायत है। और हम गए हैं कि हम रबालमीन के फरमा बरदार हो जाए व अन अकीम उतवल तो यह कि नमाज कयम करो और उससे डरो वही है और वही है जिसकी तरफ तुम सब इकट्ठे किए जाओगे यहाँ नमाज का हुक्म क्यों आ गया इसलिए कि जब इंसान दीन का काम करता है ना तबलीग का काम करता है तो लोगों की बातें सुनता है और फिर मुखालफतें सुन मुखालफतों की मुखालफों की मुखालफत देखता है तो उसकी तबीयत के अंदर एक मलाल ज़रूर आता है तो उसको फिर अपनी धुलाई चाहिए होती है उस सारे को अंडू करने की ज़रूरत होती पर नमाज़ उसका बेहतरीन तरीका है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाया करते थे अकम या बिल अ रहना इकामत कहो हमें इससे राहत पहुँचाओ नमाज के ज़रिए क्योंकि आप क्या करते हैं नमाज़ पहले वज़ू करते हैं वज़ू करने से क्या होता है आपके वज़ू के आज़ार ठंडे हो जाते हैं धुल जाते हैं आप रिलैक्स मौ, रिलैक्स मूड में आ जाते हैं फिर उसके बाद आप मसल पर जाते हैं जिसमानी तहारत के बाद अब आप अपने रब से हम कलाम होते हैं रब आपकी तरफ मुतवज्जे होता है उसकी रहमत आपकी तरफ आती है और आप अपने दिल का हाल अल्लाह के सामने रखते हैं कुरान की जो आयतें पढ़ते हैं उन पर गौर करते हैं बाय द टाइम आप नमाज नमाज के बाद तस्बीहात जिक्र करके जब उठते हैं तो आप हल्के फुल्के हो चुके होते हैं और अगर पांचों नमाजें इसी तरह इंसान पढ़े कि अपनी साथ, साथ सफाई करें तो जिंदगी बहुत आसान हो सकती है और आम जिंदगी में तकवा अख्तियार करे और इस बात को याद रखे कि अल्लाह के पास जाना है वो सब चीज़ों का फैसला कर देगा वहू वल्ल खलक बिल हक़ और वही है जिसने आसमानों और ज़मीन को हक के साथ पैदा किया और जिस दिन वो कहेगा हो जा तो वो हो जाएगा उसी की बात सच्ची है और उसी के लिए बादशाहत होगी जिस दिन सुर में फूका जाएगा वही गैब और हाजिर का जानने वाला है और वो बहुत हमत वाला खूब ख़बर रखने वाला है यहाँ आसमानों और ज़मीन को पैदा करने का मकसद बताया जा रहा है कि वो हक़ के साथ पैदा किए गए बे मकसद और खेल के लिए नहीं बल्कि हक़ को साबित करने के लिए ख़ास मकसद के लिए और वो क्या है अच्छा अमल कौन करता है लिया बलूआ को मैं कम आसन वमा खलना वालसाईल आलियाबून कि जिनों और इंसानों की तख्लीक़ का मकसद ही क्या है कि अल्लाह की इबादत करें सारी कायन लगी हुई है अल्लाह की तस्बी करने अब इंसान को इस मकसद के लिए पैदा किया गया और फिर इन सारी चीज़ों को इंसानों के लिए मुसक्र किया गया कि वो इनको इस्तेमाल करें वखर अलकुमा फिस समात व माफिल अर्द जमी अमिन और उसने तुम्हारी खाते जो कुछ आसमानों में है और जो ज़मीन में सबको अपनी तरफ़ से मुसक्र कर दिया अर्दी जो कुछ जमीन में है उसने सारे का सारा तुम्हारे लिए पैदा किया तो यानी कि कायनात के बनाने का एक मकसद है वो इस खब्राहिम अबी ही आजरा और जब इब्राहिम ने अपने बाप आजर से कहा क्या तू बुतों को मबूद बनाता है बेशक मैं तुझे और तेरी कौम को खुली गुमराही में देखता हूँ अब यहाँ इब्राहीम का किस्सा क्यों बयान किया गया इसलिए कि वह तोहीद के सबसे बड़े दाई और शिरक से बेजार थे तो मुसलमानों को समझाया जा रहा है कि देखो उन्होंने किस तरह अपनी कौम से अपने घर वालों सेलैदगी इख्तियार कर ली मुशी मक्का जो थे ये इब्राहिम के दीन पर होने का दावा करते थे और इब्राहिम तो मुहिद थे तो अब तुम्हारे पास शिर की क्या दलील रह जाती है तुम्हें अपने अपने बाप इब्राहिम का उसवा फॉलो करना चाहिए और इसी तरह हम इब्राहिम को आसमानों और जमीन की बादशाहत दिखाते थे ताकि वो भरपूर यकीन करने वालों में से हो जाए इन्हें उनकी एक जर्नी थी रब तक पहुंचने की और वो थी अल्लाह की निशानियों में गौर वफिक्र के साथ फिर जब उस पर रात छा गई तो उसने एक सितारा देखा कहने लगा मेरा ये मेरा रब है कहने लगा ये मेरा रब है फिर जब वो गुरूब हो गया तो कहा मैं गुरूब हो जाने वालों को पसंद नहीं करता फिर जब उसने चांद को चमकता हुआ देखा तो कहने लगा ये मेरा रब है फिर जब वो गुरूब हो गया तो उसने कहा अगर मेरे रब ने मुझे हिदायत ना दी तो मैं जरूर गुमराह लोगों में से हो जाऊंगा जब उसने सूरज को चमकता हुआ देखा तो कहने लगा ये मेरा रब है ये सबसे बड़ा है फिर जब वो भी गुरूब हो गया तो उसने कहा मेरे को, मेरी कौम, बेशक मैं इनसे बेजार हूँ जिन्हें तुम शरीक ठहराते हो तिवल अर्दीफमशर अर्द बेशक मैंने यकसू होकर अपने चेहरे को उस हस्ती की तरफ फेर दिया जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और मैं मुश्रिक में से नहीं हूं। पूरी कौम से खानदान से हर मालो हर चीज से मुंह मोड़ कर अपना चेहरा अल्लाह की तरफ कर लिया अल्लाह जामली का खालिशन अपना चेहरा अल्लाह की तरफ कर लेना चाहिए और अल्लाह के चेहरे की खातिर अमल करने चाहिए वो हाथ जहू कौमो और उसकी कौम ने उससे झगड़ा किया उसने कहा क्या तुम मुझसे अल्लाह के बारे में झगड़ते हो हालांकि उसी ने मुझे हिदायत बख्शी है और मैं उनसे नहीं डरता जिन्हें तुम उसके साथ शरीक ठहराते हो क्योंकि वो बुतों से डराते होंगे कि तुमने बुतों को छोड़ दिया तो तुम्हारी शामत आ जाएगी मगर ये कि मेरा रब कुछ और चाहे मेरे रब ने हर चीज़ का इल्म से अहाता कर रखा है क्या फिर तुम नसीहत नहीं पकड़ते और मैं उस और मैं इनसे क्यों कर डरूँ जिन्हें तुम शरीक ठहराते हो जबकि तुम इस बात से नहीं डरते कि तुमने अल्लाह के साथ इनको शरीक ठहराया जिसकी उसने तुम पर खरगिज कोई दलील नहीं उतारी तो दोनों ग्रोहों में से कौन अमन का ज्यादा हकदार है अगर तुम जानते हो वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को जुल्म यानी शिरक के साथ खलत मल्त नहीं किया वही लोग हैं जिनके लिए अमन है और वही हिदायत याफ्ता हैं ईमान में जुल्म शामिल करने से क्या मुराद है शिर करना जब ये आए तो उतरी ना तो सहाबा इसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया उन्होंने नबी सल वसम से अर्ज किया हम में से कौन है जिसने अपनी जान पे कोई जुल्म न किया हो इन्हें गुनाह न किया हो तो आपने फरमाया जो तुम समझ रहे हो वो बात नहीं क्या तुमने लुकमान का कॉल नहीं सुना जो वो अपने बेटे से कह रहे थे इन न शर्क अजीम शिरक तो जुलम अजीम है बहुत बड़ा जुल्म है अल्लाह ताला छोटे बड़े जाहरी बातें हर तरह के शिरक से महफूज रखे व तिल का ना आते ना न इब्राहिम और ये हमारी हुज्जत थी जो हमने इब्राहिम को उसकी कौम के मुकाबले पर दी थी हम जिसको चाहते हैं दर्जात में बुलंदी अदा करते हैं बेशक आपका रब बहुत हिकमत वाला बहुत इम वाला है सुबह अल्लाह अल्लाह जिसको चाहे हिदायत दे देना और अल्लाह दिल देखता है ना और हमारा इरादा और नीयत देखता है हम क्या चाहते हैं क्या हम भी वाकई चाहते हैं हिदायत चाहते हैं ईमान में इजाफा चाहते हैं अगर वाकई चाहते हैं तो अल्लाह ताला रस्ते खोल देगा इसलिए आप जब दुआ करें ना तो आप दुआ किया करें या मुअल्लिम इब्राहिम आमनी या मुफहिम सलेमान फ़ाहिमी अल्लाह तूने उनको सिखाया समझाया हमें भी समझा दे तो मुश्किल से मुश्किल मरहले मुश्किल से मुश्किल मसाइल आपके लिए आसान हो जाएंगे वबा हबना लहू व याकूब और हमने उसको इसहाक़ और याकूब अता किए हर एक को हमने हिदायत बख्शी और इससे पहले नूह को हमने हिदायत बख्शी और उसकी औलाद में से दाऊद और सुलेमान और अयूब और यूसुफ और मूसा और हारून को भी और नेकी करने वालों को हम ऐसा ही बदला देते हैं और जकरिया और याहिया और ईसा और इलियास को ये सब के सब नेक लोगों में से थे और इस्माइल और अलियसा और यूनुस और लूत को भी और हर एक को हमने तमाम जहान वालों पर फजीलत अता की अल्लाह का एक नबी एक तरफ और पूरी दुनिया के लोग एक तरफ कितना बड़ा मर्तबा और फजीलत है हम की और बाद लोग उनके बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे अपने किसी छोटे भाई की बात कर रहे हो वमिन आबा इम वुर्रियात इकवान वहदई ना हम इलासरा मुस्तकीम और उनके आबाजाद और उनकी औलाद और उनके भाइयों में से भी और हमने उनको चुन लिया और उन्हें सीधे रस्ते की तरफ हिदायत बख्शी क्दुल्ला मैशा उमिन इबादी ये अल्लाह की हिदायत है जिसके ज़रिए वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है हिदायत देता है और अगर ये पैगंबर भी शिरक करते जो तो जो अमल वो करते थे वो ज़रूर इनसे ज़ाया हो जाते यहाँ अट्ठारह पैगंबरों का नाम लेकर उनके साथ उनके आबा और औलाद और अखबान उनका ज़िक्र फरमाया कि अगर वफ़र्ज़ महाल नबी या उसके रिश्तेदार भी कर शिर कर बैठते तो उनका किया कराया सब ज़ाया हो जाता क्योंकि शिर के साथ कोई बड़े से बड़ा अमल भी कबूल नहीं होता और छोटे से छोटा भी कबूल नहीं होता क्योंकि अल्लाह तला पर बात अशरकता लया बतन नमल हो अगर तुमने शिर्क किया तो तुम्हारा सारा अमल जाया हो जाएगा उलाकलना आती वल हुक्म यही वो लोग हैं जिन्हें हमने किताब हमत और नबूबत अदा की थी फिर अगर ये लोग इस नबूबत का इनकार करते हैं तो यकीनन हमने इसके लिए ऐसे लोगों को मुकर कर दिया है जो इसका इनकार करने वाले नहीं अहल अगर तुम नहीं मानते और बहुत से लोग आइंदा आएंगे कि जो इसको मानेंगे उदा उबीद यही वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी बस आप इनकी हिदायत की पैरवी कीजिए कह दीजिए मैं तुमसे इस पर किसी उजरत का सवाल नहीं करता ये सिर्फ ये तो सिर्फ एक नसीहत है तमाम जहान के लिए, और उन्होंने अल्लाह की कदर ना की जैसे उसकी कदर का हक था जब उन्होंने कहा कि अल्लाह ने किसी इंसान पर कोई चीज नाजिल नहीं की कह दीजिए अल्लाह ने वो किताब नाजिल की जो मूल सलाम लेकर आए जो लोगों के लिए नूर और हिदायत थी तुम इसे वरक वरक मना लेते हो और तुम इसका कुछ हिस्सा नाजिल करते हो और सॉरी तुम इसका कुछ हिस्सा जाहिर करते हो और बहुत कुछ तुम छुपा जाते हो और तुम वो सिखाए गए हो जो तुम जानते नहीं थे और ना तुम्हारे बाप दादा और ना तुम्हारे आबाव अजदाद कह दीजिए अल्लाह ने नाजिल की फिर इन्हें छोड़ दीजिए वो अपनी बहसों में खेलते रहें यहाँ अल्लाह सुबहान तला का एक शिकवा है और वो क्या कि तुमने अल्लाह की वैसे कदर नहीं की जैसे कि उसकी कदर का हक है कदर का माना होता है अंदाज़ा करना किसी चीज़ की असल हकीकत को जानना उसकी मार्फत हासिल करना मशरकिन थे वो रसूलों का इनकार करते थे कुतुब के नाजिल होने का इनकार करते थे तो इससे साफ पता चलता है कि उन्हें अल्लाह की सही मार्फ़त हासिल ही नहीं वो इन चीजों का इनकार ना करते और ये एक किताब है जिसे हमने नाजिल किया बहुत बरकत वाली है तस्दीक करने वाली है उसकी जो इससे पहले है और ताकि आप अह मक्का को और जो उसके इर्द गिर्द हैं उन्हें डराएं और जो लोग आख़रत पर ईमान रखते हैं वो इस पर भी ईमान लाते हैं और जो आखरत पर ईमान लाते हैं और जो आखरत पर ईमान रखते हैं वो इस पर भी ईमान लाते हैं और वो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं और उससे बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ घड़ ले या वो कहे कि मेरी तरफ वही की गई है हालांकि उसकी तरफ कोई वही नहीं की गई और जो कहे मैं जरूर नाजिल करूंगा उसकी माने जो अल्लाह ने नाजिल किया और अगर आप उस वक्त देख सकते जब ये जालिम लोग मौत की सख्तियों में होते हैं और फरिश्ते अपने हाथ फैलाए हुए होते हैं कहते हैं निकालो अपनी जाने आज तुम रसवाई का अजाब दिए जाओगे इसलिए कि तुम अल्लाह पर नाहक बातें कहते थे और तुम उसकी आयात से तकबर करते थे तो सबसे बड़ा जालिम कौन है इस आयत के मुताबिक किताब लाही का इनकार करने वाले झूठी नबोबत का दावा करने वाले और इस आयत से अजाब कब्र के बरहक होने की दलील भी मिल रही है क्योंकि वो फरिश्ते हाथ फैला के कहेंगे कि आज तुम्हें दर्दनाक अजाब दिया जाएगा अखरिजुानपमतना अजाब अलहून आज तुम्हें रसवाई का अज़ाब दिया जाएगा तो इससे आज कौन सा है फिर मरने वाले दिन क़बर में जाने का तो बऱी ज़िंदगी जो है यानी क़बर की ज़िंदगी को बऱख़ी ज़िंदगी कहते हैं ये दुनिया की ज़िंदगी के बाद आखरत की जिंदगी से कबल ये ज़िंदगी है दरमानी दरमियन की यानी दुनिया और आखरत के बीच की लाइफ है इसमें इंसान मौत से क़यामत तक वहीं रहता है जहाँ वो मरने के बाद जाता है चाहे उसे किसी दरिंदे ने खाया हो या उसकी लाश समुंदर की मौजों की नजर हो गई हो या किसी ने जला दिया हो या कब्र में दफना दिया हो ये एक अलग जिंदगी है इसको बरसकी जिंदगी कहते हैं बाहिर मौत है लेकिन हकीकत में उनके ऊपर वो सब गुजर रहा है जो किसी एहसास रखने वाले इंसान पर गुजरता है वलूनाफुर आदा और बिलाशुबा तुम हमारे पास अकेले ही आ गए हो जैसे हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था और जो कुछ हमने तुम्हें, तुम्हें दे रखा था वो तुम अपने पीछे ही छोड़ आए हो और हम तुम्हारे साथ तुम्हारे इन सिफारशियों को भी नहीं देखते जिनके बारे में तुम दावा करते थे कि वो तुम्हारे मामले में हमारे शरीक हैं यकीन तुम्हारे दरमियान ताल्लुक़ मनक़त हो गया है और तुमसे वो गुम हो गए जिनके बारे में तुम जोम रखते थे इलाफालुल हब्ब वनवा बेश्ला ही दाने और गुठलियाँ फाड़ने वाला है वो जिंदा को मुर्दा से और मुर्दा को जिंदा से निकालने वाला है यह है अल्लाह फिर कहाँ से तुम फेरे जाते हो बाहर आ रही है ना तो दरख्तों को दोबारा पनपते देखें कुछ कुछ दरख्तों पर छोटे छोटे पत्ते बड्स आ चुके हैं ये कौन कर रहा है अल्लाह ही करता है वन वो तो ज़मीन की मट्टी में खड़े हैं और यहाँ जैसे विंटर में सारे दरख्त डेड हो जाते हैं तो किस तरह अला सुबह तआला उनको फिर जिंदगी देता है और वो हरे भरे हो जाते हैं फालक सुबह का फाड़ने वाला है और उसी ने रात को बाय से सुकून और सूरज और चांद को हिसाब का जरिया बनाया ये बहुत ज़बरदस्त बहुत इल्म वाले का अंदाज़ा है और वही है जिसने तुम्हारे लिए सितारे बनाए ताकि तुम उनके ज़रिए खुशकी और समुंदर की तारीकियों में राह पाओ यकी हमने निशानियाँ खोल खोल कर बयान कर दी हैं उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं तो सितारों की तख्लीक के तीन मकासद कुरान मजीद में पता चलते हैं नंबर एक के सितारे आसमान की जीनत हैं खूबसूरती हैं नंबर दो वो शयातिन को मार बगाने का जरिया हैं और नंबर तीन रास्ता मालूम करने का ज़रिया है इन तीन मकासद के अलावा सितारों का कोई मकसद नहीं और उसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं ब्रिटेन में एक रिसर्च हुई जिससे जिसमें उन्होंने उन लोगों की पर्सनालिटी का जायज़ा लिया जो हॉरोस्कोप पढ़ते हैं तो उन्होंने कहा कि ये कम जहन के लोग होते हैं ये कोई बड़ा काम नहीं कर सकते क्योंकि क्योंकि वो तो उसी में हटके रहते हैं आज का दिन एक होगा तो तुम्हारे लिए जुमे का दिन ठीक नहीं और तुम्हारे हफ्ते के दिन एक्सीडेंट का ख़तरा है और पुराण यानी लोगों लोगों के अंदर एक तजस्स ज़रूर है लेकिन हमें हमेशा देखना चाहिए कि हम किस चीज़ के बारे में तजस कर रहे हैं और ये दुआ जहाँ यह दुआ मांगते ना रबी ज़िदनी इल्मा वहाँ यह भी मांगा करें अल्लाई अउी का मिनिन लाफाऊ अल्लाह उस इल्म की ज़रूरत नहीं मुझे मुझे नहीं वो चाहिए जिसका मुझे कोई फ़ायदा ना हो तो याद रखिए सितारों पे सितारों की तासीर पर यकीन रखना कुफ्र है कि सितारों के असरात होते हैं ये तो बेचारे खुद हैं बेकारी मारे मारे फिरते हैं हु? ये तुम्हारी से किस्मत के कहाँ से जिम्मेदार आ गए और जो शख्स सितारों से इल्म हासिल करके लोगों को गैब की खबरें बताता है वो झूठा होता है इतफ़ाक़ से कोई बात सही हो जाए तो वो सौ झूठ एक झूठ में नाल झूठ और मिला के लोगों को बताता है और लोग अगर वो एक, एक परसेंट सही निकले हो, तो कहते हैं देखा ना सही बात करती थी उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स किसी काहन या नजूमी के पास जाए और उसकी बातों की तस्दीक करे तो गोया उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली शरीयत से कोफर किया क्योंकि इससे बड़ी खराबियां भी पैदा होती हैं आपने देखा होगा कि कुछ लोग बस इस वहम का शिकार रहते हैं कि उन पर जादू हो गया लिहाजा कभी वो किसी के पास जाते हैं कभी किसी के पास अच्छा कोई उनको मिलता है टकरता है तो वो कहता है तुम्हारी नंद ने तुम पर जादू किया है अब आगे शामत नंद की और सताना शुरू कर दिया मियाँ को उसकी ज़िंदगी भी हराम कर दी भाई किस ने तो मैं किस वही के जरिए तुम्हें तो खबर मिली है क्यों कि किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाते हो और मानने वाली पक्का यकीन कर लेती और बदगुमानी पाल लेती आपको पता है अव्वल तो वहाँ जाना ही मना था दूसरा उसके बात पे यकीन करना मना तीसरा फिर उस पे यकीन करके आगे एक्शन लेना मना तो इंसान अपने आप को खसारे दर खसारे में डाल देता है और वही है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया फिर एक रहने की जगह है और एक सौंपे जाने की यकीन हमने निशानियां खोलकर बयान कर दी हैं उन लोगों के लिए जो समझते हैं शाह कादिर लिखते हैं कि अव्वल माँ के पेट में इंसान सपुर्द होता है ताकि आिस्ता इस्ता दुनिया में रहने की सलाहियत हासिल कर ले फिर दुनिया में आके ठहरता है फिर सुपुर्द होगा क़बर में ताकि आहिस्ता इस्ता आख़रत का असर कबूल कर सके फिर जा ठहरेगा जन्नत या दोजख में याद रखिए कबर का अज़ाब आख़रत के मुकाबले में बहुत हल्का है इसीलिए वो वह जब उठेंगे तो कहेंगे कि किसने हमें हमारी ख्वाबगाहों से उठा दिया वह आखरत का हौलनाक मंजर देखेंगे तो कब्र की ज़िंदगी उनको आराम की जगह लगेगी और वही है जिसने आसमान से पानी उतारा फिर हमने इसके ज़रिए हर चीज़ की पैदावार निकाली फिर हमने इससे सरसब्ज़ नबात को निकाला जिनसे हम तह बत दाने निकालते हैं और खजूर के शगुफों से झुके हुए खुश खोशे निकाले और खजूर के शगुफों से झुके हुए खोशे निकाले और अंगूरों के बागात और जैतून और अनार एक दूसरे से मिलते जुलते भी और मख्तलफ भी देखो इसके फल की तरफ जब वो फल लाए और उसके पकने की तरफ यकीनन इसमें बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं और उन्होंने अल्लाह के लिए जिन्नों को शरीक बना दिया हालांकि उसी ने इन्हें पैदा किया यानी अल्लाह ने और उन्होंने उसके लिए बगैर इल्म के बेटे और बेटियां घड़ ली पाक है वो और बुलंद है उससे जो वो बस बयान करते हैं बुलंद है उससे जो बस वो बयान करते हैं वही आसमान और ज़मीन का ईजाद करने वाला है उसके लिए कोई औलाद कहाँ से हो सकती है क्यों कर हो सकती है कैसे हो सकती है जबकि उसकी कोई बीवी ही नहीं और उसी ने हर चीज़ को पैदा किया और उसी ने हर चीज़ को पैदा किया और वो हर चीज़ को खूब जानने वाला है यानी अल्लाह अलबदी है बे मिसाल जो अपनी ज़ात और सिफात में बे मिसाल है वही बे मिसाल पैदा करने वाला है वो अकेला अपने ख़ास इल्म और कुदरत से पैदा करने वाला है लिहाजा उसका उसके लिए किसी को बीवी करार देना और किसी को बच्चा करार देना ये सब झूठ है क्योंकि उसने खुद ऐसी कोई बात नहीं कही और उसकी औलाद कैसे हो जबकि लम यलित बलम यूलत हैब्बु रब्बुकुम यही अल्लाह तुम्हारा रब है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं हर चीज का पैदा करने वाला बस तुम उसी की इबादत करो और वो हर चीज़ पर निगरान है वह अला कुल्ल एम वकील वह आला कुल शई एम वकील तो यहाँ अल्लाह की एक सिफ़त रब अल्लाह का नाम आया रब आया इलाह आया, खालिक आया और वकील एक ही आयत के अंदर कितने सारे नाम सिफात तो अल्लाह अल-खालिक है और उसी ने तमाम तकदीरों को पैदा किया और तमाम इंसानों को और तमाम चीज़ों को युद्रिकुल लात उदरिकबसार लतीफुल खबीर निगाहें उसे नहीं पा सकती और वह निगाहों को पा लेता है और वह बहुत बारीक बीन खूब बाबर है इदराक का एक माना होता है किसी चीज़ की हक़ीकत को पा लेना इद्राक मान अगर आंखों से देखना हो तो उसके बारे में तो हज़रतुम आयशा फ़रमाती हैं जो तुम्हें यह कहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा तो उसने यकीनन झूठ कहा कि कोई रब को देख नहीं सकता उन्होंने फिर यही आयत पढ़ी सिर्फ़ इबन अब्बास देखने के कायल हैं मगर साथ ही ये भी फरमाते हैं कि आपने अपने दिल की आंख से दो मरतबा अल्लाह को देखा है वो ये नहीं कहते कि नेके आई से देखा है सामने और कुछ लामा ये कहते हैं कि देखा ही नहीं सिरे से नहीं देखा वो जो दो दफ़ा देखने की बात आती है ना वो जबरी से मुतलिक है क्योंकि जबरी को नबी अलैहि वसल्लम ने दो मरतबा अपनी असल हालत में देखा लेकिन क्यामत के दिन अम्बिया के अलावा सारे मोमिन अल्लाह का दीदार कर सकेंगे वो जू हुई ना जरा अलाबिहा ना और उसको अल्लाह ताला को क्यामत के दिन देखने में इंसानों को कोई दुश्वारी नहीं होगी बाज ने इदराक का माना हकीकत भी लिया है कि अल्लाह की हकीकत को कोई नहीं पा सकता क्योंकि हम मखलूक हैं वो खालिक हैं मखलूक कैसे खालिक की हकीकत जान सकती है और वो अलतीफ है नरमी करने वाला है मेहरबानी करने वाला है उसने अपने अम्बिया ओलिया अहले बसीरत को मारिफत नसीब की ये उसका इल्मी लुत्फ है अमली लुफ़ अहले दानिश को माश और मामलात में उनको आगाही दी बातनी लुफ अहले कनात और आज़ाद तबा इंसानों को पूरा हिस्सा दिया तकवीनी लुत्फ़ हर मौजूद शाय को अदम से वजूद बख्शा दुनियावी लुफ़ उसने बहुत से इंसानों को दुनिया का बड़ा हिस्सा और कामरानी अता की और उखरवी लुत्फ़ इसके लिए साले और नेक इंसानों के लिए अल्लाह की मैयत का लुत्फ़ अल्लाह के दीदार का लुत्फ़ और अल-खबीर भी है अज्जा अकुम बसा वमन ममन अबसरफ अल नफस ओमन आमियफ़ाकुमुम بلا बिलाशुबा तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से खुली दलीलें आ गईं तो जिसने बसीरत से काम लिया सो वो उसके अपने लिए है और जो अंधा बना रहा तो उसका वबाल उसी पर है और मैं तुम पर कोई निगरान नहीं हूं बसारत आंखों की रोशनी होती है और बसीरत दिल की रोशनी का नाम है तो अल्लाह ताला ने जिनको दिलों की रोशनियाँ दी उनको हकीकत नजर आ जाती है वह कदाली का नफुलआयात और इसी तरह हम आयात को फेर फेर कर लाते हैं और ताकि वो कहें कि तूने किसी से पढ़ लिया है और ताकि हम उसे उन लोगों के लिए वाज़ कर दें जो इल्म रखते हैं इतव मा ऊल कम रबिक लालामशरकिन आप उस चीज़ की पैरवी करते रहिए जो आपके रब की तरफ से आप पर वही की गई है उसके सिवा कोई माबूद नहीं और मुशरिकिन से एराज कीजिए और अगर अल्लाह चाहता तो वो शिर्क न करते और हमने आपको उन पर निगरान बनाकर नहीं बन और हमने आपको उन पर निगरान नहीं बनाया और ना आप उन पर जिम्मेदार हैं और तुम उनको बुरा भला मत कहो जिन्हें ये लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वरना वो भी ज्यादा करते हुए इल्म के अल्लाह को बुरा भला कहेंगे हम्म इसी तरह हमने हर उम्मत के लिए उनका अमल खूबसूरत बना दिया है फिर अपने रब ही की तरफ इन सब का लौटना है तो वो इन्हें बता देगा जो भी ये किया करते थे तो यहाँ सदे जराए के तौर पर मुश्किन के पुतों को बुरा भला कहने से मना किया गया है कि ऐसा ना हो कि वो जवाब में तुम्हारे रब को बुरा भला कहें और तुम जरिया बन जाओ तो वो रास्ता ही ना दो किसी को इसी तरह किसी के माँ बाप को गाली नहीं देनी चाहिए क्योंकि पलट के वो तुम्हारे माँ बाप को गाली देगा और तुम सब आप बनोगे उस गाली का और इन लोगों ने अल्लाह के नाम पर अपनी पक्की कस्में खाई हैं। कि अगर इनके पास कोई निशानी आ गई तो ये उस पर जरूर ईमान ले आएंगे कह दीजिए बेशक निशानियाँ तो अल्लाह के पास हैं और क्या चीज़ तुम्हें तो आगाह करे कि जब वो आ जाएंगी तब भी ये ईमान नहीं लाएंगे व नकलब अफ इदत व अबसारही अबर वी तो और हम इनके दिलों और इनकी निगाहों को फेर देंगे जैसा कि वो इस पर पहली बार ईमान नहीं लाए और हम इन्हें इनकी सरकशी में छोड़ देंगे कि वो भटकते फिरें अल्लाह ईमान की तौफीक छीन लेता है लेकिन किससे जो मोजात देख कर निशानियाँ देख कर भी ईमान ना लाएं इनकार पर इनकार करें मुसलसल इनकार करें तो उनके इस बुरे अमल की वजह से आइंदा ईमान लाने की उनसे तौफीक और सलाहियत छीन ली जाती है क्योंकि ज़िद्दी और हर धर्म लोग मुजात देख कर भी ईमान नहीं लाते लेकिन अल्लाह जिसको हिदायत देता है वो पहली दफ़ा ही हक बात सुनते ही सच बात सुनते ही उसको मान जाते हैं कबूल कर लेते हैं लेकिन जिन्होंने ज़िद लेकिन जो ज़िद और अना का शिकार हो गए हैं वो मुजाद देख कर भी कोई ना कोई बहाना निकाल लेते हैं कोई तावील कर लेते हैं तो अल्लाह सुबहान तमें हमेशा हक़ और हिदायत को कबूल करने की तोफ़ी दिए रखे व आखरु दावाना अनिलहमदिल्ल रबालमीन सुबहान्वि हमदिका अशहदालांत अस्त फिर व अल्लामक वरम वर्क الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته इन इस रमजान हम अपने इस कुरान फहमी के सफ़र में अपने सब घर वालों को भी शामिल करेंगे तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह सर इदरीस के साथ नमाज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्पेशल सेशंस हुआ करेंगे मंडे टू फ्राइडे जो आज से शुरू हो रहे हैं दो बजे से लेके साढ़े तीन बजे तक नमाज नबवी अलैहि वसल्लम तालीम मसाइल और अहकाम तो आप लोग तो यहाँ आ ही रहे हैं अपने घर के मर्दों को भी आप मोटिवेट कीजिए कि वो इनशाला इस क्लास को ज्वाइन करें अगर वो यहाँ नहीं आ सकते तो ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं और वेबसाइट के ऊपर इसकी सारी डिटेल मौजूद है असल वरह